बंद रहेंगी, मैं जाकर छुप जाऊंगी, फिर तुम आकर मुझे ढूंढोगी, यहाँ वहाँ मुझे ढूंढोगी। वहाँ नहीं बेटा, यहाँ यहाँ यहाँ। अरे यहाँ देखो, यहाँ। हेलो राम, कल शाम का प्राइम टाइम स्लॉट बुक करो। ठीक है सर। मेरे निकाले हुए स्ट्रिंग ऑपरेशन का वीडियो उसका टेलीकास्ट करना है। एंड लिसन, हर 10 मिनट में बिग ब्रेकिंग न्यूज एक्सपोज कर रहे हैं, ऐसा न्यूज डालते रहना। ओके सर। मैं चाहता हूं कि पूरा स्टेट देखे। ओके सर। सीधे आओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अरे सीधे आओ, इस तरफ। हे, मैंने पकड़ लिया आपको। मुझे नहीं पकड़ पाई। बेटा, सॉरी। गलती से पकड़ना गलत नहीं होता, लेकिन मेरे बारे में जानने के बाद भी पकड़ना गलत होता है। How dare you enter in my house? Get out! Relax, Arman, relax. इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? बिल्कुल। हाँ बोलो। ये ब्लैंक चेक है और लोडेड गन भी है। चुनाव तुम्हारा। क्यों डरा रहे हो क्या? तेरे जैसे बेवकूफों की यही प्रॉब्लम है। खाना देता हूं तो खाते नहीं, बंदूक दिखाता हूं तो डरते नहीं। एक बार और सोच ले। अगर तू कल टेलीकास्ट होने वाले न्यूज को रोक देता है तो मैं इस बंदूक से निकलने वाली गोली को रोक दूंगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गणेशा, डोंट लीव एनीथिंग, क्लियर ऑल द एविडेंस। गो एंड चेक। सच में ऐसी घटना होगी ऐसा सोचा नहीं था। साप्ताहिक पत्रिका के पत्रकार चीफ एडिटर अरविंद आराध्य और उसके पूरे परिवार की हत्या हुई है। इस हादसे के केस को जिम्मेदार काबिल पुलिस अधिकारी प्रताप मिश्रा को सौंपा गया है। सर, क्रिमिनल ने एक छोटा सा सबूत भी नहीं छोड़ा। आई थिंक ही इज स्मार्ट। ऐसा कोई सबूत मिला क्या कि इस केस में किसका हाथ है? देखिए, इन्वेस्टिगेशन चालू है,
जब तक वो पूरा नहीं होता कुछ नहीं बता सकता। थैंक यू। क्या हुआ सर? वो क्या है ना, एक सबूत छोड़े बिना मर्डर किया है, इसलिए इस केस को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत मुश्किल होगी। वो कातिल भगवान की आंखों से बच सकता है लेकिन मेरी आंखों से नहीं बच सकता। इंस्पेक्टर विक्रम का नाम सुनते ही जवान लड़कों में एनर्जी भर जाती है, साथ ही साथ इस डायनामिक का सामना करने की किसी गुंडे में हिम्मत नहीं। मुझे अरेस्ट करने की हिम्मत उस डिपार्टमेंट में किसके पास है उसकी तो? ऐसा बोलने वालों को भी मैंने विक्रम के पैरों में पड़ता हुआ देखा है। उनकी इस सिंसियरिटी को देखकर ही मैंने खाकी ड्रेस पहनी है। जैसा खड़ा हुआ कटआउट डिपार्टमेंट में विक्रम की क्लास और मास देखकर उसे फौलाद कहते हैं। आइए विक्रम का नया अवतार देखते हैं। पुलिस की वर्दी पहनकर हमें डराने वाले डायलॉग मार रहे हो? तुम क्या अपने आप को डायनामिक हीरो देवराज समझ रहे हो क्या? अरे नहीं, उसका बेटा प्रज्वल देवराज ही समझ लो। बाप मारे तो लॉकअप डेथ और बेटा मारे तो स्पॉट डेथ हो जाएगी। ओए, मारो इसे। तुझे कुछ चाहिए क्या? पंगा मत ले इंस्पेक्टर, तू मेरे बारे में नहीं जानता है। इस कृष्णा का कितना आतंक है ये तुझे नहीं पता। अगर जान लेगा तो तुरंत आकर मेरे पैर पकड़ लेगा। सुन रहा है ना? पैर पकड़ लेगा तू। ओए, ना तो मैं किसी के पैर पकड़ता हूँ और ना ही मैं किसी को अपने पैर छूने देता हूँ। आई रिपीट, ये डायनामिक प्रिंस ना किसी के पैर छूता है और ना ही किसी को अपने पैर छूने देता है। खेलने के लिए तो सिर्फ बॉल ही काफी है और तेरे लिए तो मेरा हाथ ही काफी है। मारो इसे। अबे क्या करता रहता है, ये ले और ले अभी, अच्छा लग रहा है। Hey!
जैसी करनी वैसी भरनी। हमारे साहब इंस्पेक्टर विक्रम, राज्य के पुलिस डिपार्टमेंट में दूसरा कोहिनूर हीरा। हाँ सर, पहला कौन है? इतना भी नहीं पता है क्या? हैट्रिक हीरो, राज्य के चक्रवर्ती डॉक्टर शिवराज कुमार। शुक्रिया साहब, आपने हम लोगों पर बहुत उपकार किए। कई सालों से हमें यहाँ काम करने में बहुत तकलीफ होती थी साहब, बहुत तकलीफ होती थी। शांत रहिए माँ जी, हमें सिर उठाकर उनका सामना करने तक ऐसे लोग हम पर हुकुम चलाते ही रहते हैं। क्या भाई, आप लोग इतने सारे लोग होकर भी उनका कुछ भी नहीं कर पाए? उसका सामना हम कैसे कर सकते हैं मालिक? यही तुम लोगों की बड़ी प्रॉब्लम है। हमसे नहीं होगा, हम क्या कर सकते हैं कहते हो? क्यों इसी तरह से अपनी पूरी जिंदगी काटना चाहते हो क्या? कपड़ा धोने वाले तुम लोग कुछ ही गुंडों को धो नहीं सकते हो क्या? तुम जैसे लाचार लोग एक हो जाए तो इस तरह के गुंडे लोग तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक बात बताता हूँ, अच्छे से सुन लेना, हम सब एक हो जाएंगे ना तो खूब चमेगा रंग। हाँ साहब, सही कहा। बोलो क्या कहते हो? ठीक कहा साहब, सही कहा। मैं कमिन सर। कमिन सर। अरे विक्रम, तुम भी कॉलेज के लड़कों के जैसा शेव करके आ सकते हो ना? ये सब क्या है? देखो तुम्हें ये करना है कि एंजॉय करना है ना सर। क्या कहा? और क्या सर, 3 दिन की छुट्टी का प्लान किया है। छुट्टी भी तो सैंक्शन हो चुकी है। दरअसल मेरी छुट्टी स्टार्ट होकर 2 घंटे हो चुके हैं और अपने सारे काम भी निपटा कर आ गया हूँ मैं। ड्यूटी टाइम पर ड्यूटी, पार्टी टाइम पर पार्टी। नाउ इट्स पार्टी टाइम, चलता हूँ अंकल। अरे विक्रम रुको, 3 दिन के बाद अंकल। आप हमेशा खुश खुश रहते हैं साहब, ये सब कैसे? रंगन्ना, जिंदगी में खुश रहना बहुत ही आसान है। अपने सामने चलते हुए लोगों को देखकर उनके पीछे नहीं जाना चाहिए और अपने पीछे आने वालों को हम ही ग्रेट है ऐसा एहसास नहीं होने देना चाहिए। अपने साथ रहने वालों के साथ कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। इन 3 रूल्स को फॉलो करो, तुम्हारी जिंदगी में भी खुशी आ जाएगी। साहब आप कुछ भी कहो, आपकी सोच बहुत ही अच्छी है साहब। तो मैं दूसरा कोई नहीं रहा हूं ना। अब चलो। बदमाश। नहीं कैसे हो? मैं तो बहुत अच्छा हूँ विक्रम। पता है मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? आज तो आपकी एनिवर्सरी है ना, तो ट्रीट देने के लिए बुलाया होगा। वो बात नहीं है। तो फिर एक इम्पोर्टेंट ड्रग इन्वेस्टिगेशन केस तुम्हें सौंपने के लिए। तुम्हें जल्द से जल्द मणिपाल जाना होगा। ठीक है अंकल, चलता हूँ। अरे अभी नहीं भाई, कल जाना है। ओ ऐसा क्या? थाने में रघुराम तुम्हें सारी डिटेल्स दे देगा। ओके एक सेकेंड। हाँ। होम मिनिस्टर का पीए। हेलो। हाँ। ट्रीट देने के बदले ड्यूटी करवा रहे हो, देखता हूँ मैं। और क्या आंटी, वेडिंग डे स्पेशल क्या है? आज मेरे हस्बैंड मेरे साथ टाइम बिता रहे हैं, यही मेरे लिए स्पेशल है। वो बात नहीं आंटी, हमेशा अंकल आपको याद करते रहते हैं और मुझे भी हमेशा कहते रहते हैं कि मुझमें और मेरी बीवी में बहुत ही सिमिलैरिटी है। ऐसी बात है? हाँ। और क्या कहा? हाँ। वो कहते हैं कि मैं कुछ खाता हूँ तो हॉस्पिटल जाना पड़ता है, मेरी बीवी के हाथ का कुछ खाता हूँ तो भी हॉस्पिटल जाना पड़ता है। ये सच बात है आंटी? ऐसा कहा क्या? हाँ। पर मेरे खाने की तो हमेशा तारीफ करते हैं। तो फिर गाड़ी हमेशा इंदिरा कैंटीन के पास ही क्यों खड़ी होती है? इंदिरा कैंटीन? हाँ। एक दिन इंदिरा कैंटीन में तो एक दिन अप्पा कैंटीन में। आजकल थोड़ा चेंज चाहिए ऐसा कहते हैं। परसों क्या है पता है आंटी? क्या बात है? नहीं जान तो छोड़ो आंटी। नहीं नहीं बेटा बताओ ना। तो ठीक है, वो जैसे व्हाट्सएप का डीपी चेंज करते हैं ना, रियल लाइफ में भी डीपी चेंज करे तो कितना अच्छा होता ना। डीपी का मतलब? धर्म पत्नी। हाँ ऐसा कहा? हाँ। मुझसे तो उन्होंने कभी ऐसी बातें नहीं की बेटा। आंटी पति सिर्फ 2 ही जगह पर बात करता है, एक पत्नी मायके जाने के बाद या फिर दारू पीने के बाद। आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा आंटी। ऐसा क्या? जब भी देखो तब चेंज चाहिए कहते रहते हैं, आपको ही कहीं चेंज ना कर दे वो। हाँ? हाँ। विक्रम। हाँ? सॉरी। अब आएगा मजा। अंकल आपके लिए टोमेटो सूप का ऑर्डर करूं क्या? अरे नहीं बेटा कुछ और लूंगा। हाँ? मशरूम सूप का ऑर्डर। हाँ। एक्सक्यूज मी। यस सर। 2 टोमेटो सूप और 1 मशरूम सूप। ओके सर। थैंक यू। विक्रम हम हमेशा वेडिंग डे के दिन इस होटल के उस टेबल पर बैठते थे, लेकिन इस साल हमने चेंज किया और इस टेबल पर शिफ्ट हो गए। हाँ हमारी शादी को 26 साल पूरे हो गए बेटा, इसलिए आपको चेंज चाहिए ना? हाँ। अरे बिल भरने के लिए चेंज चाहिए होगा ना? बिल भरने के लिए अब मैं कैश नहीं देता हूँ, कार्ड देता हूँ। टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने को भी बदलना होता है ना। मेरे जैसा तुम नहीं बदल पाओगी,
क्या कहते हो विक्रम? इससे शादी करने के बाद मेरा स्टार ही चेंज हो गया। इस बार घर जाकर देखिए, आपका शेप ही चेंज हो जाएगा। थैंक यू। मशरूम सूप, इसे पिए तो बहुत साल हो गए। नया गांव, नया पुलिस स्टेशन, जाकर मैंने पोस्टिंग करवाई है, क्या होगा क्या पता। ये देखो इसे, मिस्ड कॉल ही किया करता है। हाँ बंटी। हाँ बोल घंटा गोपाल। हाँ कहाँ है तू? मैं ड्यूटी में हूँ, आज तुझे क्या काम पड़ गया? अरे बंटी, अपने आसपास के रहने वाले एमपी लोगों से बच के रहना। हेलो हेलो, कभी भी देखो कॉल काट देता है, इसकी बात सुनकर लगता है मेरा सपना पूरा होने वाला है। एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा क्या? मेरी रेंज कुछ ज्यादा हो गई है। एमपी का मतलब महिला पुलिस भी हो सकती है। पुलिस? बोल बे भैसे। अरे बाप रे, मैंने जैसा सोचा था वैसा ये हो भी नहीं सकती। और कौन हो सकता है? ये होगी शायद। हाय। हाय, तुम्हारा नाम? बस वाह, आप कौन? कविता। कविता? तुम्हें कितनी कविता आती है? क्या कहा तुमने? कविता का नाम जो रखा है। तुम दिन में कितनी घास खाते हो? तुम्हारा नाम बसवा है इसलिए पूछा। वो क्या है ना, मेरे दादाजी का नाम बसवा था ना, पिताजी ने कहा इसे रखने से अच्छा होगा इसलिए। मेरे दादाजी बेडरूम में बहुत कविताएं लिखते थे, इसलिए मेरा नाम कविता रखा। पता है मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है। और तुम्हें? हनीमून पसंद है ना। यू नॉटी। और मुझे फिल्म एक्टर्स में रणबीर पसंद है। और तुम्हें? और मुझे टीन बियर पसंद है। ओहो, अकाउंट है क्या? हाँ, फेसबुक पे अकाउंट है, रिक्वेस्ट भेजोगी क्या? बैंक अकाउंट में बैलेंस है क्या, ये पूछा? हाँ, कुछ दिन पहले ही बैलेंस डाला है, इस महीने की पगार मिलेगी तो और डाल दूंगा। तुम्हें रोल कॉल नहीं आता है क्या? मुझे गोपाल का मिस कॉल आता है और कोई कॉल नहीं आती है मुझे। तुम्हारे जैसा ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर मैंने आज तक नहीं देखा। थैंक यू। ए चोरनी कविता, साइन मारने को कहा था और तू यहाँ बातों में लगी हुई है, चल। एमपी का मतलब महिला चोरनी है क्या? अच्छा वो हाथ छू लिया सिर्फ। ए तू सच में भैंस है? ये देख, उसने तेरी अंगूठी चोरी कर ली, ये ले। थैंक यू शायद इसीलिए घंटा गोपाल ने सतर्क रहने के लिए कहा था। साहब आगे। सर नमस्ते। सर अरे फिर से तुम आ गए, कहीं पर भी टपक जाते हो यार। विक्रम के साथ बिताल तो रहता ही ना सर। सर मैं कहूँ तो आपका स्टाइल, आपके स्माइल, इन सब को फॉलो करके आपके जैसा बनना चाहता हूँ। सर आप पुलिस डिपार्टमेंट के दूसरे कोहिनूर हीरो हो और मैं हूँ कोहिनूर पहाड़। कोहिनूर कांस्टेबल बनना चाहता हूँ, कमिश्नर ने कहा आपको रिपोर्ट करने के लिए। सर मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ, आपकी सर्विस के लिए नई गाड़ी लाया हूँ, वो देखिए। फॉलो मी। हाँ सर। हाँ सर, ये पहले के ऑफिसर की तैयार की हुई फाइल है, इसमें सस्पेक्टेड ड्रग पैडलर्स की सारी डिटेल्स और फोटोज हैं सर। ओह ये है क्या? ये रामू काका है सर। अच्छे से जानता हूँ, जब मैं बैंगलोर में था तब मैंने इसे पकड़ा था। सर इसकी एक चाय की दुकान है, सारे ड्रग पैडलर्स का अड्डा है सर इसकी चाय की दुकान। ये लो काका, मेम साहब फ्लैक्स ने भेजा है, हर जगह पे चिपकाने के लिए बोला है, ये काम आप ही संभालो। ए ए ए सुमी इधर आ, इस महान आदमी की तस्वीर जमीन पर फेंकते हैं क्या? चलो ऊपर रखो। बेवकूफ कहीं का, आजकल कुछ ज्यादा ही नाटक कर रहा है। एक दूंगा तो समझ में आएगा। कौन है काका ये? ये बहुत बड़ा समाज सेवक है साहब, हेल्पिंग स्टार जॉनी इसका नाम है। साहब आप आधी रात को भी फोन करेंगे ना तो ये फोन उठाएंगे। ये सब कहानी बंद करो यार, जाओ कस्टमर आ गया। हाँ, काका स्पीड गाड़ी आई थी क्या? अरे तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। राकू चार्ली को अर्जेंट मांगता था। चल निकल यहाँ से। बड़ा क्यों रहे इतना चाचा? अरे जा। काका लिख लो। हाँ ठीक है ठीक है। अरे चल।
साहब जा रहे हैं क्या? काका हमसे ही खेल खेलोगे क्या? क्या हुआ साहब, मैंने क्या गलती की? तुम कोड लैंग्वेज में बात करोगे तो मैं समझूंगा नहीं क्या? रॉक, सीजर, चार्ली अलग अलग नाम से ड्रग्स का नाम रखोगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा क्या? हमको बेवकूफ बना रहे हो? ए बसवा सर, ले इसको चीज़ नहीं साहब, आपके पैर पकड़ता हूँ, जाने दो साहब। साहब मेरी जवान बेटियां हैं, उन सब की शादी करवानी है, इसीलिए साहब ऐसे छोटे मोटे इन्फॉर्मेशन देकर पैसे कमाता हूँ साहब। तो फिर इसकी इन्फॉर्मेशन हमको बता दे साहब। साहब वो क्या है ना कि जान सकता हूँ तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? रामू काका। रामू काका एक बार फोन कर। हेलो। हाँ बेटा, वो लोग मेरी बहन के बेटे हैं, उन्हें घूमने का शौक है इसीलिए मैंने वहाँ भेजा। ओके, हमसे गलती हो गई, अब एंजॉय करो। ओके। हाय रमेश। हाय सुरेश। क्या हुआ भाई, ड्रग्स चेंज करने की जगह पे जगह भी चेंज कर रहे हो, काका ने कुछ कहा क्या? अरे आज मेला है ना, काका अपने धंधे में बहुत बिजी होगा आज। माल कहाँ है? माल पीछे वाली गाड़ी में देख। गाड़ी कहाँ है भाई? अरे रे रे रे, मैंने तो गाड़ी यहीं पे रखा था। अरे मेरी गाड़ी किसने चुरा ली? गाड़ी कहाँ है यार? हे भगवान, हे पहले मेरी गाड़ी ढूंढ यार। हेलो, ये दुड़गुट्टा रिसोर्ट जाने वाला रास्ता कहाँ पर से? अरे भाई दुड़गुट्टा रिसोर्ट नहीं, दुड़वेट्टा रिसोर्ट। अरे गाड़ी जाना कैसे होता है? अरे भाई सीधा जाके लेफ्ट ले, और फिर राइट लेना। अरे मेरी गाड़ी कहाँ गई, अब मैं कहाँ ढूंढूं उसे? सर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, थोड़ा धक्का मार दोगे क्या? अबे मेरी गाड़ी गुम हो गई और तू मुझे धक्का मारने के लिए बोला? ए जल्दी आ रहे हैं। सुन, वो लोग आ रहे हैं धक्का मारने। हां जरा जरा। अरे रे रे, वो तो मेरी गाड़ी है भाई। ए, ए, रुक जा रे। वो जब मुझसे पता पूछ रहा था तभी मुझे समझ जाना चाहिए था। तुमने फंसा दिया ना, चल उसके पीछे करते। चलो केस का क्या हुआ, तुम उनके पीछे तो हो ना? मैं उनके पीछे नहीं हूँ सर, वो लोग ही मेरे पीछे पड़े हैं। सर चेस कर रहे हैं मुझे, पूरा होने के बाद कॉल करता हूँ। थैंक यू, बाय। ये विक्रम भी ना सर, सर चलिए चलिए चलिए। हेलो, रामा श्यामा काला कैरा नागिया कालिया सत्य सुंदरा, सब लोग मार्केट में आ जाओ। सर यहाँ पर गाड़ी क्यों रुकी? सर इस गाड़ी में बैठने वाली लड़की कितनी खूबसूरत है ना। सर इस टाइम पर ये सब क्यों? सर ए मुंह बंद कर और जाकर दो गुलाब लेके आ। चल जा, जा। सर ए पुलिस वाला हूँ, बाद में देता हूँ। सर
ये फूल क्यों सर? एक उस लड़की को देने के लिए और दूसरा तेरी समाधि पर रखने के लिए। ये रख ले। ए, गाड़ी यही है, वो भी यही कहीं आसपास ही होगा। चल हाँ चल। लव एट फर्स्ट साइट, देखकर सिर्फ आंखों को ही नहीं मेरे दिल को भी भा गई है वो। फर्स्ट लुक में ही मेरा ये दिल लॉक हो चुका है। सर से पंगा लेगा। हाँ, चल निकल यहां से, चल निकल यहां से, हट। इसे फोन में डालिए। ओके। लेकिन संभाल कर, ये सिर्फ सिम नहीं है, मेरा हार्ट है। लीजिए। ठीक है। बता, सच बता, बोलता कि नहीं, जल्दी बता, बोल, बोल, कुछ सच बता। मैं छोड़ दो सर, जो भी गलती हुई अनजाने में हो गई सर, छोड़ दो। ए, ठीक से बैठ, ठीक से बैठ, चल, चल। तुम्हारा बॉस कौन है बताओ? ए, मेरे पेशेंस को चेक मत करना, मेरा टेंपर टेंपरेरी नहीं है, बल्कि हमेशा के लिए परमानेंट है। मेरे साथ खेल खेलोगे? बोलो तुम्हारा बॉस कौन है? सर हमारे बॉस कोई नहीं है सर, हम एक दूसरे से एक्सचेंज होते हैं बस। इसके हाथ से मुझे, मेरे हाथ से दूसरा कोई, उसके बाद हम लोग ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सर। हाँ सर, मैं कॉलेज हॉस्टल पब को कवर करता हूँ, और अपना रवि मार्केट और बस स्टेशन को देखता है, कुमार शंकर और भानु बीच को संभालते हैं, अपना चंदू आउटर पार्टी फॉरन कस्टमर को हैंडल करता है सर, बस इतना ही पता है सर। क्या बात है, बस वो। हाँ सर, इनके लिए चाय मंगा। हाँ, हाँ, हाँ। सर आपको दिल साइन से एक फोन आया सर। हाय। हाय, वो मेरा मोबाइल मेले में गुम हो गया था। मैं भी मेले में गुम हो गया हूँ। क्या मतलब? मेरा फोन भी मेले में गुम हो गया है, ये कह रहा हूँ।
मुझे मोबाइल कलेक्ट करना था, मैं आ जाऊं क्या? अभी तो मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, कल चलेगा क्या? हाँ चलेगा ना, सुबह, हाँ सुबह चलेगा। ओके, कल MGM रोड में आ जाइएगा। ओके बाय। सर बस वो कल सुबह कब होगी? सर सर वो रवि, वो चंदू और कुमार शंकर, उन सब की सारी डिटेल रेडी किया हुआ है सर। ये क्या भाई, हाँ इतना टाइम हो गया लेकिन अभी तक कॉल नहीं आया। हेलो, मैं भावना बोल रही हूँ सर, MGM रोड पर हूँ। हाँ मैं भी वहीं पर हूँ। अच्छा आपके सामने आपको क्या दिख रहा है? मुझे तो सनी डियोल, नहीं सनी देओल दिखाई दे रहा है। ओ अच्छा, मेरे सामने हाँ सनी लियोनी दिख रही है। ओ सनी लियोनी है क्या? अच्छा तो हाँ। वहाँ पर हो क्या? बस मैं अभी आया। ओके हाँ ये सर, सर सनी लियोनी को देखा है क्या? रोज देखता हूँ, शेयरी टोन करो ना, भेजता हूँ तुमको भी। ए, उसका पोस्टर देखा है ऐसा पूछ रहा हूँ। ए, तुम उसे पोस्टर में भी नहीं छोड़ते हो क्या? चल जा। चल बे, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, सनी लियोनी का रेट बढ़ा दिया। हाय। ये है क्या? हाय इंस्पेक्टर विक्रम, स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट का, मैं दूसरा कोहिनूर हीरा हूँ। मुझे मेरा फोन दो फिर मैं जाऊंगी। अरे ये क्या कह रही हो, तुम तो आते ही मुस्कुराते हुए आपने बहुत अच्छा काम किया, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ ऐसा कहोगी ऐसा सोचा था मैंने, लेकिन आप तो कुछ अलग ही बातें कर रही हो। आओ ना यहीं कहीं आसपास में बैठकर कॉफी या टी पीकर सुख दुख की बातें करते हैं। अब तक मुझे पहचानते भी नहीं, कॉफी और टी के लिए पूछ रहे हो? अरे इसमें इतना गुस्सा क्यों करना, मैंने सिर्फ कॉफी पीने के लिए कहा, तुम्हें बैठने के लिए थोड़ी ना बोला मैंने। एनीवे टाइम हो रहा है, मेरा फोन दो। टाइम टाइम बोलने से मुझे कुछ याद आ रहा है, कल हम लोग ठीक 12:46 को कहीं पर तो मिले थे ना? मिले होंगे। तो क्या हुआ? होगा नहीं पक्का है, कल आपने व्हाइट चूड़ीदार पहना था, माथे पर बिंदी और हाथों में मेहंदी लगाकर, आंखों में काजल और हाथों में चूड़ियां पहनकर, ना फेस पर कोई पिंपल और ना ही कोई मेकअप, बहुत ही सिंपल सी लड़की को कैसे होना चाहिए उसका तुम एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। वाह क्या हिस्ट्री बताई है तुमने। अपने भगवान पर मुझे विश्वास है इसलिए मैं ज्यादा बोलता हूँ। मैं कौन हूँ जानती हो? जो ज्यादा बोलता है ना मैं वही लड़का हूँ। ये तुम कहाँ कहाँ से कनेक्शन बना रहे हो? हम दोनों लवर्स हैं ना। क्या कहा, हम लवर्स हैं? हाँ। हेलो, आर यू इन योर सेंसेस? हम लवर्स कब बने थे? कल ही एक दूसरे को देखा है ना। मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। मैं तो करता हूँ ना। मैं मानूंगी ही नहीं। मैं मना लूंगा ना। सही है ना? हाँ। देखो जब हम दोनों एक हो जाएंगे ना तो तुम मुझे विक्रम नाम से बुला सकती हो। पहली मुलाकात के बाद तुम कहोगी कि मैंने उस वक्त किस कलर की बिंदी लगाई थी, कौन से कलर के कपड़े पहने थे, पैर में किस कलर का नेल पॉलिश लगाया था, ये सब पूछने के बाद मैं ब्लैंक हो जाऊंगा, तब तुम कहोगी विक्रम क्या सच में तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? एक तो ऊपर से तुम लड़की हो यार, मेकअप करने में और ब्रेकअप करने में तो हमेशा आगे ही रहती हो। सुपर। इसलिए पहले से मैं तुम्हारी पूरी तरह से स्टडी कर चुका हूँ। मैं तुम्हें पागल कहूंगी, पहले मेरा फोन दो। What about my phone? ज्यादा बोलो मत, सिर्फ इंजन ही बचा है, ये लो। ये सिर्फ सिम कार्ड ही नहीं है, ये मेरा हार्ट है, इसे संभाल कर रखना। Idiot. Disgusting. पता नहीं वो लड़की मुझे बहुत पसंद आ गई यार। सर कल ही आपने उसे देखा है? कल देखा था? हाँ। लेकिन मुझे तो लग रहा है उसे देखे हुए काफी वक्त हो गया। ये ले एक फोन करके देखता हूँ उसको। ठीक है सर, मुझे भी चैन मिल जाएगा। हेलो कौन बोल रहा है? अरे मैं हूँ जी, इंस्पेक्टर विक्रम। तुम हो? तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? सिम तो मैंने ही आपको दिया था ना। आखिर लड़के लड़कियों के पीछे इतना क्यों मरते हैं? गलती हमारी नहीं है, बचपन में स्कूल जाते वक्त मेरे माता पिता मुझसे लड़कियों से अच्छे मार्क्स लेके आ, लड़कियों के अच्छे मार्क्स लेके आ ऐसा कहकर टॉर्चर कर रहे थे। अब उनकी तरह मार्क्स तो नहीं ला पाया, एटलीस्ट आज लड़की का नंबर तो ले लिया। वैसे भी आप पढ़ने में नंबर 1 हो और मैं पीछे पढ़ने में नंबर 1 हूँ। क्या कहा? नहीं कुछ नहीं, अभी आप कहाँ हो पूछ रहा था। हेलो अच्छा बताओ मेरे लव प्रपोजल के बारे में क्या सोचा है? तुम मेरे बारे में कितना जानते हो? सब कुछ जानकर लव करने वालों में से मैं नहीं हूँ यहाँ पर।
यहाँ पर पसंद आ गई तो बस प्यार तो अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा बताओ, तुम लोग को पहली बार देखकर ही किसी से प्यार हो जाता है? मैडम ये कोई हॉस्पिटल में नंबर निकालने वाला कोई क्यों नहीं है, ये लव है। प्यार के मोहल्ले में सरप्राइज अटैक करने वाला स्वीट एनिमी है ये लव। ये लड़के पहले लव को स्वीट बोलते हैं और फिर च्युइंगम जैसे चबाकर फेंक देते हैं। तुम लड़के लड़कियों से सिर्फ काम निकालना जानते हैं। हेलो मैडम, आप अपनी बात वापस ले लो। आप लड़कियों का प्यार तो कुछ ही पल के लिए होता है, लेकिन हमारा प्यार मरते दम तक होता है। हाँ, समझ लेना इस बात को। तुम ना ज्यादा उड़ो मत, तुम्हारा प्यार आखिर तक नहीं रहेगा, अगली अच्छी लड़की दिखने तक ही रहेगा ये। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। चाहे कितना भी स्टंट करने वाली लड़की आने दो, लेकिन मैं स्टंट नहीं करता। हाँ, क्या बोलता है? कार्तिक वेणु गोपाल स्वामी कहाँ रहते हैं बता सकते हैं क्या? सॉरी, फर्स्ट राइट सेकंड लेफ्ट। थैंक यू। क्या हुआ, बहुत मस्त दिख रही है ना? सर, बहुत सही लग रही है। सर, तो फिर उसे ही पटा लो। सर, सर, ऑलरेडी पटा है ना, और कितना पटाऊं? व्हाट? अब तो तुम्हारे साथ पहला प्यार हुआ है ना, तो तुम्हें हार्ट में जगह दे दिया ना, तो फिर से और एक बार पटाऊंगा तो ऐसा। ओह जस्ट शट अप, तुम उस लड़की को कैसे मुंह फाड़ कर देख रहे थे, मैंने देखा है। अरे हम ताजमहल को देखते हैं, वो कितना सुंदर है तो उसे टकाटक देखते रहते हैं, लेकिन उसे कभी चुरा तो नहीं सकते है ना। बस यही, हमारे घर में हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, वैसे ही मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जरा समझो मुझे, प्यार करो ना मुझसे। नेवर। सर, ये लड़की कितना भाव खा रही है, आप इसे क्यों सता रहे हैं? ऐसे सताने से प्यार बढ़ता है और आयु भी बढ़ती है। आजकल के नौजवानों ने कानून के खिलाफ ड्रग्स लेकर उसका धंधा करने का ट्रेंड बना लिया है, ये सब आपको समझना चाहिए। हेलो मिस्टर, पी कार्स में ट्रैफिक जाम क्यों किया तुमने? पुलिस होकर भी आप पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। देखिए, ये मेरा मकसद नहीं है, वो क्या है ना, आप सब लोग ट्रैफिक जाम में फंस गए हो और बस इतना ही सोच रहे हो, और मैं ड्रग्स का धंधा करने वालों को कैसे ढूंढूं यही सोच रहा हूं। इसका मतलब रोड के बीच में खड़ा होकर दो चार लोगों को भाषण दोगे तो सब ठीक हो जाएगा क्या? शायद तो हो सकता है, ऐसा मेरे चार लोगों के बीच कहने से वो लोग भी और दो लोगों को कहेंगे। इट्स टाइम टू वेक अप। आपको कोई ड्रग्स बेचने वाला मिल जाए तो उसे रिहैबिलिटेशन सेंटर भेज दीजिए, या फिर कहीं भी ड्रग्स का धंधा करते हुए कोई दिखा तो इमीडिएटली पुलिस को कॉल कीजिए। यह सिर्फ पुलिस का करने वाला काम नहीं है, इसमें पब्लिक कोऑपरेशन की भी जरूरत है। हम सब लोग मिलकर ही कदम उठाएंगे तो खूब जमेगा रंग। यस, थैंक यू। विक्रम, मुबारक हो, चारों तरफ तुम ही छाए हुए हो। आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो पाता अंकल। मेरे सपोर्ट से ज्यादा तुम्हारी मेहनत है विक्रम। एक मिनट, प्रताप मिश्रा से बात करो। हेलो मिस्टर दूसरा कोहिनूर हीरा। हेलो सर। प्रोग्रेस के बारे में सुनकर बहुत खुशी हुई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। विक्रम की प्रोग्रेस देख के मुझे अपने आप पे शर्म आ रही है। क्यों? अरमान और आराध्या के केस को मैं सॉल्व नहीं कर पाया ना। कुछ केस सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है। सर, पूरी फैमिली खत्म हो गई, अगर वो क्रिमिनल एक बार मेरे हाथ लग जाए तो उसे जेल में डाल के चमड़ी उधेड़ दूंगा। एक्सक्यूज मी सर। अरे अरे
आफ्टरऑल एक सिक्के के लिए तुम इतना परेशान क्यों हो? आफ्टरऑल प्लीज एक्सक्यूज मी सर, आपके पास एक रुपए का कॉइन है तो जरा दीजिए। क्या? प्लीज सर दीजिए ना। इसे आपने इतना सोच कर दिया, मतलब इस कॉइन को कमाने में आपने बहुत मेहनत की होगी, है ना सर? वो क्या है ना सर, खर्च करना बहुत आसान होता है पर कमाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे बिना 5 रुपए के कलम से हम चेक पे साइन नहीं कर सकते ना, उसी तरह जिंदगी में 1-1 रुपए की बहुत कीमत होती है सर। 1-1 रुपए की अपनी वैल्यू होती है सर। आई लव मनी। सॉरी सर, गलत कहा हो तो बुरा मत मानिएगा। तुमने गलत नहीं कहा, बिल्कुल सही कहा। चलो अब चलते हैं। ये लीजिए सर। एंगेजमेंट कब करेंगे? ए, पागल हो गए हो क्या? क्या हुआ? मुझे ये प्यार व्यार ना पसंद नहीं है। घर वाले जिससे कहेंगे उससे शादी करूंगी। वाओ, एक बात कहूं क्या? समय के साथ साथ अपने को भी बदलना चाहिए। पहले तो डेट देखकर शादी करते थे, आजकल तो डेटिंग करके ही शादी कर लेते हैं। ये तो आजकल का जमाना है ना। ए, सुनो, आखिरी बार कह रही हूँ, दोबारा नहीं कहूंगी। मेरे थॉट्स और मेरे रूल्स अलग हैं, तुम्हारे अलग हैं। हमारे मिलने का चांस ही नहीं है। अरे, दोनों का टेस्ट अगर एक ही हो तो उसमें क्या मजा है? अलग अलग टेस्ट वाले होंगे तब मजा अलग आता है, उसे ही तो कहते हैं ट्रू लव। सॉरी, ड्यूटी कॉल। हेलो साहब, राजा टोनी सब यहाँ आने वाले हैं। पक्का ना? पक्का इन्फॉर्मेशन है साहब। काम की वजह से जरा अर्जेंटली जाना पड़ रहा है। तुम एक काम करो ना, एंगेजमेंट के बारे में सोच लो। मैं तुम्हें अंगूठी पहनाऊंगा और फिर गले में मंगलसूत्र बांध दूंगा। ओके बाय। पागल है क्या ये? ये क्या नौटंकी कहीं का? तो तू है ट्रक डीलर? अभी बताता हूँ। लगता है मुझसे मिलने के लिए तिरुपति बालाजी जाकर मुंडन करवा कर आए हो। सही कहा बात। हेलो, आई एम टोनी। आई एम जॉनी। ही स्टीफन। स्टीफन? नो टिफन, ही स्टीफन। टिफन? अभी ये कौन है जिसने नाश्ता करके अपना नाम टिफिन रख लिया है? यू डोंट नो इंग्लिश और शिट। हेलो, यू डोंट नो हिंदी? थू साले। ये क्या हो रहा है सर, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? इसने इंग्लिश में शिट कहा तो तू चुपचाप सुनता रहा, मैंने साले कहा तो तेरा मुंह खुल गया। मिस्टर जॉनी, वी नेवर एक्सेप्ट सच पुअर परफॉर्मेंस फ्रॉम योर साइड। व्हाई ड्रग्स साले सो लेस? सुन बे, जाकर मेरे पार्टनर को बुला कर ला, इन साले लोगों के लिए उसकी इंग्लिश ही सही रहेगी। ओके। इस कमीने का भी राइट हैंड है या पार्टनर है? मोना, तुम इनके साथ इंग्लिश में बात करो। योर बॉस जॉर्जी मीट लेस और सीड लेस करके कहना। तुम अपने इंग्लिश में कहो, इन लोगों ने कहा था कि इनके कहने पर अच्छा बिजनेस करोगे तो डिस्ट्रीब्यूटर और ड्रग पेडलर को भी हमें ही दे देंगे, पुलिस का कोई लफड़ा नहीं होगा। लेकिन वो इंस्पेक्टर विक्रम हमारे लोगों को लाठी खोंसों से मार रहा है और इनका बॉस तो फॉरेन में केजी कर रहा है। केजी का मतलब? पीता है, निकालता है। ओ, इन लोगों से बात करने से अच्छा है डायरेक्ट जॉर्ज को बुलाते हैं और उससे आमने सामने बात करते हैं। करेक्ट, बोल दे। I would like to speak to your boss. No, no, it's not possible. Hello, मैं बातों से मस्ती करता हूँ लेकिन हाथ में गन रखता हूँ, डाई और डायल। No, no. Okay, then die. You dial or die. Okay, okay, I'll die. Boss. Do you want to speak to you? Hello? Mr. George. You didn't keep your promise. We are unable to deal with your product. I think you have to come down to India immediately. Okay, okay. I'll come on 28th. Hold on. कह रहा है कि वो 28th को यहाँ आएगा. तो चलेगा ना हमें? Done. Okay, done. उसके यहाँ आने के बाद वो और कितने लोगों को सप्लाई करके फंसा रहे हैं ये जानकर उन्हें बेचना होगा। ओके, लेट्स गो। अभी करता हूँ।
एक बार तू बाहर मिल तो तुझे उठाकर ले जाकर अच्छे से पेमेंट कर दूंगा। भावना, सपना था इसलिए कहते हैं लड़की से प्यार करने से अच्छा पत्थर से प्यार करना चाहिए। अच्छा मतलब मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं। सर आपने मुझे अर्जेंट बुलाया? यार क्यों, ठीक है, मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है, अंदर से बहुत ही तकलीफ महसूस हो रही है। हाँ ऐसे काम में तो आप बराबर बुलाते हो, दुख बांटने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए, मच्छर मारने के लिए, कभी पीने के लिए बुलाया है क्या सर? ए, कौवे को पिंड खाने के लिए बुलाते हैं, पिज्जा खिलाने के लिए नहीं। अब चुपचाप बैठ जा। हमेशा बस डांट कर चुप कराने के लिए मुंह बंद करवा देते हैं। अब बोल, तब तक मैं अपना कुछ इंतजाम करता हूँ, रुक जा। सर चिप्स चखने के लिए। आप कहिए सर क्या प्रॉब्लम है आपकी? मेरी एक बात समझ में नहीं आती है यार। हाँ? इंसान जीवन में जीने के लिए प्राइवेसी चाहता है। हाँ? लेकिन मारने के लिए लड़की को शिकार बनाते हैं। वो लड़की की प्रॉब्लम है। क्या हुआ सर, क्या क्या उसने शौक दिया है यार? सर साफ साफ बताइए ना। ए, इन सारे ड्रग डीलर का बॉस कौन है पता है? कौन है? वो सोशल वर्कर जॉनी है यार। क्या सच में? जिसे इधर उधर ढूंढा वो घर के पिछवाड़े मिला? क्या बात है सर। सर उसका आपके प्यार से क्या संबंध है सर? उसका राइट हैंड कौन है पता है? वो मेरी गर्लफ्रेंड है। सर ये आप क्या कर रहे हैं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। सर आपके लिए ड्यूटी इंपॉर्टेंट है या ब्यूटी इंपॉर्टेंट है? ड्यूटी इंपॉर्टेंट है यार, ब्यूटी तो उसके लिए मायने रखती है लेकिन ड्यूटी तो मेरे लिए मायने रखती है। उन सबको ना अंदर डालकर मार के सजा, सच में सजा देने का मन करता है। सही कहा सर, वैसा सजा तो दे ही रहे ना, बहुत बड़ी सजा दीजिए सर। ए, उसे सजा नहीं देनी है यार। हा? उसे तो मैं अपने प्यार से कैसे बदल के रख दूंगा ये मैं तुझे दिखा दूंगा। सिर्फ प्यार की ताकत से ही हो सकता है। हाँ सर वो सिर्फ प्यार की ताकत से ही हो सकता है। हा? प्यार में ताकत होती है। हा? वो गाड़ देगा। ड्यूटी करने से खाना मिलता है और प्यार करने से मुक्का मिलता है। ऐसा करता वैसा कहता कैसा कहता, टेंशन से बहुत कंफ्यूज हो गया लगता है। ये सारी बातें दिल पे मत दीजिए, मैं हूं ना सर आपके साथ में। तू हाँ। अए, तू तो सिर्फ वो पुराने 500 के नोट जैसा है। हाँ? पास में रहने पर भी कोई फायदा नहीं। यूज होगा कहता है, यूज होगा, कमीना कहीं का। हाँ? सर ऑपरेशन टेंपल स्टार्ट। ये लीजिए, ये लीजिए। ओ तो ये भिखारियों से डील कर रही हैं। देखो मैं क्या करता हूँ। यू आर अंडर अरेस्ट। क्यों सर क्या हुआ? ओ हम लोगों ने क्या किया साहब? ओहो क्या बात कर रहे हैं सर, हमने क्या किया है? ओहो तो तुम सब एक ही ग्रुप के हो क्यों? चलो दिखाता हूँ मैं क्या करता हूँ। क्या करोगे सर? अंदर डाल के आरती उतारूंगा। चलो चलो चल चल, चल, चल। कैसी है माँ जी? ठीक हूँ बेटी, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। ओ इसमें फूल बेचने वाली भी शामिल है क्या? थैंक्स माँ जी, चलती हूँ। क्या चाहिए बेटा? तुम चाहिए, चलो चलो बैठो चुपचाप। कमाल है अभी तक नहीं आई। सर ऑपरेशन टेंपल सक्सेस सर, आपने मुझे पुराना 500 का नोट कहा था ना, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या किया। चलिए चलिए आइए आइए सर, चलिए वो देखिए सर, जॉनी के साथ काम करने वाले सभी लोगों को पकड़ा है। इन लोगों को पकड़ा तूने? हाँ। ये लोग ठीक से बैठ भी नहीं पाते हैं तो इन पर तूने शक किया? हाँ। तेरी तो पागल हो गया क्या? इसका मतलब मैं 500 का पुराना नोट ही हूँ क्या? माँ जी आपके पास ब्राउन शुगर है क्या? चीनी के अलावा मेरे पास कोई शुगर नहीं है बेटा। तो फिर आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो आदमी बिल्कुल रेपिस्ट के जैसा था, हमारे बगल में खड़ा होकर हमें ही देख रहा था। हमने उससे पूछा क्या चाहिए, बोला तुम चाहिए और यहाँ बैठा दिया। सिर्फ इन्हें नहीं देख रहा था, हम पर भी गंदी नजर डाल रहा था, हमसे कह रहा था
चलो अंदर दिखाता हूँ। बहुत गंदा और घटिया इंसान है वो, आसपास ही कहीं होगा साहब, आप उससे बस कर रहिएगा। जब हम जैसों को नहीं छोड़ा तो आप तो इतने मस्त दिखते हो, आपको वो छोड़ेगा क्या साहब? जरा संभल कर रहिएगा। अच्छा ठीक है, आप लोग जाइए, मैं उसे देखता हूँ। उतरिए, आप उतरिए, आइए आइए। नमस्ते साहब। बेटा नमस्ते। चलता हूँ साहब, आइए। बाय बाय। आपसे कुछ बात करनी है, अपॉइंटमेंट मिल सकती है? क्या बात करनी है? यहाँ पर नहीं, लोग आते जाते हैं। आइए 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 ना, आइए ना, आइए आइए। हेलो, तुम्हारी आंखों में आंसू? आंखें जलती हैं तब आंसू आते हैं, हंसने से भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर मैं कोई तकलीफ सहते आदमी को देखता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ? तकलीफ? मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तुम मुझे कुछ नहीं कहती लेकिन मैं सब समझ जाता हूँ। क्या समझे हो तुम? तुम्हारे दिल में तो बचपना है लेकिन घर पर बहुत परेशानी। मेरे घर पर परेशानी है? माँ को अल्सर और भाई को कैंसर हो गया है, बहन की शादी कैंसिल हो गई है। इसमें भी खत्म नहीं हुआ तो तुम्हारे भाई का दिमाग कम है और बहन को पोलियो है। इन सब की देखभाल करना भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी है लेकिन तुम रास्ता भटक गई हो। मैं रास्ता भटक गई हूँ? कोई बात नहीं, मान जाओ गलती तो सभी करते हैं, उसे ही सुधारने वाला इंसान होता है। समझ गई क्या सरोजा? हेलो, मेरा नाम सरोजा नहीं है। ऐसा क्या? सरोजा नाम से मैंने बुलाया तो तुम अभी बर्दाश्त नहीं कर पाई, तब तो तुम्हारा चलने वाला रास्ता ही तुमने बदल दिया है, तो मैं कैसे बर्दाश्त करूं? सुनो, अभी भी बहुत वक्त है, बदल जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बदल जाओ प्लीज, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुमसे वादा करता हूँ, बदल जाओ ना प्लीज, बदल जाओ। मेरी, तुम पागल खाने से भाग कर आए हो क्या? सच में पागल हो? तुमसे बात करके मैंने टाइम वेस्ट किया है, मुझे बदलने को कह रहा है पागल। बालिके, बदलाव इस जगत का नियम है, बदल जाओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। गुड जॉब विक्रम, गुड जॉब। सर आप जिस काम से गए थे वो हुआ क्या? बहुत ही बुरे हालातों में चल रहा है मेरा प्यार। हाँ। मैडम को बदलने का तो टाइम दिया है मैंने, देखते हैं हाँ। क्या होता है। सर मुझे बहुत फील हो रहा है, ऐसा करिए आप छुट्टी ले लीजिए, हम पूजा करने चलते हैं। अबे कमीने, तेरी जान ले लूंगा, इतनी ढील देने के बाद तो तू सर पे चढ़ा जा रहा है, ड्यूटी बहुत ही जरूरी है। हमारे टारगेट में जॉनी और जॉर्ज ड्रग्स चाहने वालों का हार्ट है, वो हार्ट कनेक्ट होने से पहले ही अगर सारी नसों को हमने काट दिया तो गाड़ी निकल पड़ेगी। चल अब चलते हैं। अरे ये क्या कर दिया तुमने, मेरी रानी मंत्री हाथी मारकर सिर्फ कुत्ते को छोड़ दिया तुमने। मैं ऐसा ही सर। सर विक्रम ने अपना सारा माल सीज कर दिया है सर। मैंने नहीं किया सर, विक्रम ने किया। इधर इधर इधर, हाथ उठा हाथ उठा। रहने दो सर, कोई बात नहीं, मारा मैंने है, मुझे ही सहलाना होगा। चलिए चलिए, धन्यवाद, आप आइए। सर विक्रम ने सारे बाहर और पप को सीज कर दिया। क्या विक्रम, ये विक्रम नहीं है सर, मैं करता हूँ, मारा मैंने है, मैं ही करता हूँ, छोड़ो, बुरा मत मानो, ये बुरा मत मानो। ए बाकी लोगों को तुम दे दो। दीजिए, इससे मेरा काम खत्म हो गया।
क्या हुआ, बीबी ने मैसेज किया है क्या? आपकी बीबी नहीं, विक्रम ने सारी पार्टी का वाट लगा दिया। सर आप खुद ही मारते हैं, आप खुद ही मलहम लगाते हैं, चुम्मा लेके छोड़ देते हैं। इसे ऐसे क्यों छोड़ा, चुम्मा लेके छोड़िए ना सर, तभी तो मलहम लगेगा। हे बेवकूफ, जहाँ पर नहीं लगना चाहिए था वहाँ पर लगा है, वहाँ छू क्या? एक काम कर, उसे बैठा कर धीरे धीरे सहला और पप्पी दे। क्यों सर, मैडम ने कॉल किया था क्या सर? नहीं यार, मुझे भी उसी बात की चिंता हो रही है। उसे मुझसे भी ज्यादा उसका काम ही इंपॉर्टेंट है क्या? ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? 100% कह रहा हूँ सर, वो धंधा छोड़कर पक्का आएगी। ऐसे कैसे आएगी? लड़कियां अपने प्यार के खातिर परिवार और धंधा सब छोड़ के आ सकती हैं सर। इसका मतलब तू ये कह रहा है कि वो मेरे लिए आएगी? हाँ सर। ये ले मेरी चाबी, तू ही पी ले। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, मैडम आ रही है सर। अभी देखना, स्लो मोशन में आकर मुझे अपने सीने से लगा लेगी। हाँ सर। आ गई क्या सर? आ गई क्या सर? वो देखिए, वो तो इमोशन को मारकर निकल गई सर। अबे कमीने, ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। तू चल निकाल गाड़ी। अरे क्या यार, मेरी वाली कुछ अजीब टाइप से शॉपिंग करके आई है। इसमें हैरान करने वाली कौन सी बात है सर? कपड़े के दुकान पर जाकर, वहाँ शादी का जोड़ा पहनकर, सोने के दुकान जाकर मंगलसूत्र लेकर, फूल के दुकान पर जाकर फूल लेकर, अब अंदर शादी के लिए पंडितों से बात करने गई हैं। बस अभी आपको कॉल आता ही होगा, आपको मंगलसूत्र बांधना होगा सिर्फ। हेलो, मंगलसूत्र बांधू क्या? पहले तो अपना मुंह बंद करो, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। अक्रम है वहाँ? यहाँ अक्रम बकरम कोई नहीं है, विक्रम है यहाँ पर। चल फोन रख। मेरी शादी करके बोला था। अच्छा ये लो कैश, सारी गुंडागर्दी छोड़कर बेंगलुरु में जाकर नई जिंदगी शुरू करो। थैंक्स दीदी। थैंक्स की क्या जरूरत है, अब तुम ये काम बंद कर दो। मैं बस एक आखिरी डील करके लाइफ में हैप्पीली सेटल होने की सोच रही हूँ। देखा मेरा लेक्चर वर्कआउट हुआ कि नहीं? तुम दोनों को ऑल द बेस्ट। ऑफिसर्स, मैंने गैदर किए इन्फॉर्मेशन के अनुसार द मोस्ट वांटेड ड्रगलर जॉर्ज माइकल आज इंडिया में आ रहा है। बाय हुक और क्रूक वी हैव टू नैब हिम। ऑफिसर्स, आप सब लोग 500 मीटर्स की दूरी पर रहकर मेरी ऑर्डर का वेट कीजिएगा। वो सब गैदर होने के बाद मैं आप लोगों को वायरलेस से एक मैसेज दूंगा, बट डोंट शूट टू किल। उन कमीनों के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, मैं जानता हूं। एम आई क्लियर? सो लेट्स गो। Joe, thief and son, where is George? He is on the way. Thief and son का मतलब? अरे चोर का बच्चा। वो देख, उसके पीछे कितने लोग हैं? और मेरे? सर? हाँ? पक्का वो नाइजीरियन लग रहा है सर। आप एक मिनट रुकिए सर, मैं उसे हैंडल करता हूँ सर। ए दिमाग से बिछड़े इंसान, वो एनाकोंडा खा कर आया है और तुम दाल चावल खा कर आए हो। गलती से भी उसका हाथ तुम्हें लग गया तो तुम्हारी पाव भाजी बनाकर खा जाएगा। तो यहीं रुक, मैं हैंडल करता हूँ। ओके सर। उस लड़की के सारे लोग तो आ गए हैं लेकिन वही नहीं आई। लगता है वो बदल गई है। हाय जॉनी। हाय जॉर्ज। I tried to call you but your mobile is switched off. Yeah, George, mobile no charge. You told you have problem. Arre, more problem here. You take your pudiya, wapas my cash. Cash? It is impossible, man. Don't examine my passion or I kill you and put your head and your hair in car. Mind it. No cash. Hey, ek bar mera dimag kharab ho gaya na, to local language mein teri main halat kharab kar dunga.
पैसे वापस करने के लिए इतना नाटक क्यों कर रहा है यार? What? Why are you rating your back? I say, give cash, deal close. Never. Hey, never बोल रहा है क्या लोफर? Hey, इस डॉबरमैन कुत्ते को लेकर मेरे गोदाम में चलो, वहां इसे उठा उठा कर मारूंगा. Hey, I'll shoot you, man. That is my shock. अरे ये क्या एक दूसरे को शूट कर रहे हैं? मुंह खोलने के लिए कोई तो जिंदा रहना चाहिए। फिर से किसी पर गोली चलाने से पहले मुझे ही वहां जाकर उनको लॉक करवाना। इसे किसने मार दिया? है यू? अरे मेरी माँ की कसम यार, मैंने नहीं मारा। ए सुपर, आ गई मेरी पार्टनर। हे, हर जगह हीरोइन को बचाने के लिए हीरो आता है, लेकिन यहाँ पर देखो, इस विलन को बचाने के लिए हीरोइन आ गई। मोना, ग्रेट जॉब। अबे बेवकूफ लोग, यहाँ क्या देख रहे हो? इन लोगों को पकड़ो, चलो चलो पकड़ो। नहीं नहीं, अरे मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सोच के रखा है यार, सब कुछ पानी में फेर दिया तुमने। अरे शूट मत करना। अरे मेरी बात सुनो भावना, अरे इस तरह से शूट करोगी तो तुम्हें जेल में डालना पड़ेगा। कहता हूँ कुछ नहीं जानते, उसे शूट कर लेना तो पहले यहाँ से निकल जाओ। और वैसे भी शूट करना मेरा काम, तुम्हारा काम नहीं है, इसलिए तुम पहले यहाँ से निकलो, जाओ। प्लीज कानून को अपने हाथ में मत लो, हम दोनों शादी करके बहुत खुशी खुशी रहेंगे। भावना प्लीज मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए आया तो तुमने मेरी जिंदगी निकाल दी। इस प्यार में लड़कियां ऐसी ही होती हैं सर, पहले खुशी से बात करती हैं फिर फंसा देती हैं। बताइए सर, ये सब करने की क्या जरूरत है साहब? बोलिए ना सर, अब सब करना चाहिए क्या? आज के बाद उसे प्यार व्यार कुछ नहीं है, सिर्फ नफरत ही होगी। संभाल कर सर। वो बूढ़ा है ना, उसे फल देकर के आता हूँ। देता हूँ। दादाजी मौसमी खाएंगे क्या? बकवास मत कर, दिमाग खराब है क्या तेरा? देख रहे सर क्या कह रहा है ये? मैंने तुझसे कहा था कि ये पूछ कर आओ मुझे कब डिस्चार्ज करेगा, पूछ कर आए क्या? हाँ, ध्रुवा नाम का सज्जन आ रहा है क्या? क्या कहा? ध्रुवा सज्जन आ रहा है। ए, सज्जन नहीं, सज्जनी है। ओ सज्जनी, वो तो मेरे घर के बगल में रहती है, और भी अच्छा होगा, आने दो उसे। सज्जनी आ रही है। चिल्लाना तो बाहर जाओ। मैं चुप नहीं रहूंगा। अरे बेवकूफ तुम चुप हो जाओ, मुझे भगाकर तुम्हें यहाँ आना है क्या? अरे जाओ। एक बोलता है तो दूसरा सुनता है, पर्दा डाल देता हूँ, चुपचाप सो जा। देख रहे सर बूढ़ा कैसे बात कर रहा है। सर बाद में रिपोर्ट्स आएंगी, आकर ले लीजिएगा। ठीक है। एक्सक्यूज मी, आपको बुरा ना लगे तो मुझे सिस्टर बोलने में परेशानी होती है, मैडम कहके बुलाऊं चलेगा? थैंक यू। अपना काम कर, चल, कुछ भी बोलता रहता है। मैं आता हूँ। हाय। हे, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? डॉक्टर, डॉक्टर, ये बुके लेकर मुझे मारने के लिए आई है, चली जाइए यहाँ से। अरे जाओ यहाँ से। आओ, क्या कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए तुम्हें देखने के लिए आई हूँ। मैं मरा हूँ या जिंदा हूँ यही देखने के लिए आई हूँ ना? हाँ, इसकी hey, तो मैं अभी। अरे क्या कर रहे हो तुम? क्या? कूल, शांत हो जाओ। ये मुझे मारने के लिए आई है। अरेस्टर, शी इज अ क्रिमिनल। ये कौन है तुम्हें पता है? कौन है? बहुत बड़ी मिनिस्टर है क्या? ये चोरनी है एक नंबर की। नहीं बेटा, ये पिंकी है। पिंकी हो या मिंकी हो, लेकिन ये एक नंबर की चोरनी है। अरे ये मेरी बेटी भावना, तुम्हारी बचपन की दोस्त। तुम इसके पीछे पिंकी पिंकी करके घूमते थे ना? ये आपकी बेटी है क्या सर? और इसी का नाम भावना है? तो हॉस्पिटल में शायद बेबी चेंज हो गई क्या? हो सकता है, आजकल लोग भी इतने ज्यादा हैं कि कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है कि नहीं? ये आपकी बेटी नहीं हो सकती, इसे अरेस्ट कर लीजिए और अपनी सगी बेटी ढूंढ लीजिए सर। हे, जो भी मुंह में आ रहा है बके जा रहे हो, ये मेरी ही बेटी है और ये अंडरकवर पुलिस ऑफिसर है। मैंने तुम्हारे पीछे इसे तुम्हें बैकअप देने के लिए भेजा था। बैकअप? देखो जो कुछ भी हुआ ना वो मेरे प्लान के मुताबिक ही हुआ। सॉरी विक्रम, पर मैं भी इस डिपार्टमेंट की ही हूँ, तुम्हें पहले नहीं बता पाई। डिपार्टमेंट वाले कोई एक दूसरे को मार सकते हैं क्या? नहीं, वो तो गलती से हो गया, मैं तो वहाँ जॉर्ज को शूट करने गई थी।
चलिए सर। मैं तुम्हारे साथ कभी थी ही नहीं। सर मैंने तो पहले ही कहा था कि लड़की को चला गया, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं मानी। क्या बोला था जैकी चैन? भावना बोला था। अब देखिए उसने क्या किया। सॉरी, तुम मुझसे बहुत नाराज होना विक्रम। विक्रम मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। प्लीज विक्की, प्लीज आप लोग यहाँ शोर मत करिए, उन्हें दवा देने का टाइम हो गया है, प्लीज आप लोग बाहर जाइए। विक्की, विक्की। भावना बेटी छोड़ो मुझे, मेरी बात मानो, इस वक्त इसे छोड़ दो, बाद में सब ठीक हो जाएगा। सर, सर क्या हुआ? क्या वो आपकी चड्डी दोस्त थी क्या, गई वो? क्या कहा तूने? सब सुन लिया सर मैंने, डिस्चार्ज कर दिया। चलो चलते हैं, चलिए चलिए सर। माँ इतनी परेशान क्यों हो? मैंने तो उसी दिन कहा था कि विक्रम को सब कुछ सच सच बता दो, पर मेरी बात कोई सुनता ही कहाँ। अरे उस केस को सीक्रेट तरीके से हैंडल करना था, इसीलिए मैंने इसे कहा था कि तुम विक्रम को कुछ भी मत बताना। तुम दोनों चाहे कुछ भी कहो, लेकिन विक्रम इस वक्त इसका चेहरा भी देखना नहीं चाहता। बताओ अब क्या करोगे? माँ आप विक्रम की टेंशन मत लो, मैं उसे किसी भी तरह मना लूंगी, आप मुझ पर छोड़ दो। नो वे, कॉम्प्रोमाइज का चांस ही नहीं है। अपना काम मैं खुद ही कर लूंगा, उसके लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं है, समझ गए ना? अच्छा सुन, वो सब बात छोड़, रात के खाने में ग्रिल्ड चिकन बनाऊंगा, खाओगे क्या? सर मुझे खाने का मन नहीं कर रहा, गैस की प्रॉब्लम है, सुबह से मैं बहुत परेशान हूँ सर। अरे तो उसमें इतना परेशान क्यों हो रहे हो? उस टेबल में देखना, अंदर गैस की दवाई रखी हुई है, उसे पानी में मिलाकर पी लो, तुरंत आराम मिल जाएगा। ऐसा क्या? अभी पीता हूँ। सर आपने सही कहा, गैस तो फास्ट पीते ही गैस पूरी तरह से निकल गई। चल ले। सर सब आपने मुझे दे दिया तो आप क्या खाएंगे बोले? अबे तू खा ले, तेरी खुशी में मेरी खुशी है। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। वैसे ये मुर्गा बीमारी से मर गया था तो सोचा वेस्ट करने से अच्छा बनाकर तुझे खिला दूं। सर लेकिन मेरे लिए तो फ्रेश है। चुपचाप खा ले, अभी थोड़ी बहुत फाइट करने जैसी ताकत तो आई ना। सर आप मेरे ताकत के बारे में नहीं जानते हैं बेटा, क्रांतिवीर खड़ा हुआ तो गोली बार, मैंने तो ऐसे ही मजाक किया था। बहुत बिल्डअप दे दिया, चलो खा ले, सुबह काम पर लगना है ना तुम्हें। वो देख मैं आऊंगा बोलकर सब फूल लेकर खड़े हैं। हाँ सही कहा सर। अरे ये सब किस लिए? मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। आपके लिए नहीं सर, पीछे जो मैडम आ रही हैं उनके लिए है। हाँ ये तो ठीक है, बस मैंने मेरे लिए ही सोचा था। ओके कैरी ऑन। जी जी क्या सर, एक चोरी को पुलिस बना दिया इन लोगों ने? ये सच में पुलिस है, कमिश्नर की बेटी है ये, अब देखना इसका मैं क्या करता हूँ, अब आएगा असली मजा। ये क्या सर, कैसी बेइंसाफी है, मारा आपने और हार उसे पहना रहे हैं वो लोग। अरे वो नहीं यार, वो देख सब लोगों ने कैसे फैशन शो बनाकर रखा है ना, वो सब मुझे पसंद नहीं है, ये सब खाली पीली के शौक लगते हैं। तो सर आप भी कुछ ऐसा ही कीजिए, मैं ना फेसबुक पे डाल दूंगा सर। अबे अपना नाम मैं फेसबुक में नहीं डालूंगा, हिस्ट्री बुक में डालूंगा, समझा? तभी तो सच्चा पुलिस कहलाऊंगा, तो अपनी लेवल तो अलग है ना। इसीलिए तो सर, इसीलिए आपको कोहिनूर हीरा कहते हैं। लाइक यू विक्रम सर, मैडम ने आपको अंदर बुलाया है। मैं बिजी हूँ, जाकर बोलूं। तुरंत आने के लिए कहा है सर। और तेरी मैडम ना, चलो अंदर चलते हैं। आइए सर। मैडम। हाँ विक्की बैठो ना। विक्की नहीं, विक्रम। कैसे हो तुम? बहुत अच्छा हूँ। इतनी जल्दी ड्यूटी क्यों ज्वाइन कर ली? आपको क्या तकलीफ हो रही है? वो क्या है ना कि चार दिन छुट्टी ले लेते तो अच्छा होता। नहीं लूंगा। आराम तो कर सकते थे ना। नहीं करूंगा। लगता है तुम अभी भी गुस्से में हो। हमेशा रहेगा, कभी नहीं जाएगा। क्यों क्या हुआ? प्लीज विक्रम, जब तुम्हें गोली लगी थी तब मुझे भी बहुत तकलीफ हुई थी। वाह 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 वाह, क्या एक्टिंग करती हो तुम। दगड़ो फिल्म के भानु के बदले तुम्हें एक्टिंग करनी चाहिए थी, बहुत बढ़िया परफॉर्मर हो।
प्रॉमिस विक्रम, मैं एक्टिंग नहीं कर रही हूँ। जरा चुप हो जाओ ना। तुम और तुम्हारे पापा मिलकर मुझे जनरेटर समझ कर रखे हो क्या, जो बैकअप के लिए हमेशा तैयार होगा? अरे मैं इंस्पेक्टर हूँ। अरे मैंने तो हमेशा सच बोलने की ही कोशिश की है, तुम ही प्यार की बातें करने लगे थे इसलिए मैं तुमसे कभी बात नहीं कर पाई। लेकिन फिर जिस दिन तुमने मुझे रोज देकर प्रपोज किया था उस दिन तुम मुझे पसंद आ गए। तुमसे प्यार नहीं होता तो मैं ऐसे नाटक क्यों करती? लेकिन मैंने भी तुमसे लव करने का नाटक किया था। क्या कहा? नाटक किया? जरा फिर से कहना, पिंकी की आंखों में आंखें डालकर कहना। ये विक्रम किसी पिंकी विंकी से प्यार नहीं करता, कोई लव नहीं है उसको। और मैं तो करती हूँ ना तुमसे प्यार। लेकिन मैं नहीं मानूंगा ना। मैं मनाऊंगी ना। मैं मनाऊंगा ना। ये तो मेरा डायलॉग है, मेरी बात मुझे कह दी। पर तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते हो ना। मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए यार। मुझे तो ऐसा लड़का ही चाहिए। सांप नेवला सिर्फ झगड़ा करते हैं, ड्यूट नहीं गाते। हर बार अलग तरीके से बात करते हैं, तुम बिल्कुल पागल हो क्या? तुम मेंटल, तुम्हारा बाप मेंटल, तुम्हारा पूरा खानदान मेंटल। अगर तुम मेरे पापा को बीच में लाए ना तो फिर मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। तो मैं क्या वॉचमैन हूँ, पुलिस वाला हूँ मैं। चल निकल साले। गाली दी तुमने मुझे? गाली दी? हाँ ठीक है, लेकिन जाने से पहले एक बात बताऊंगा। What? पास आओ। और पास आओ ना। अबे जा बे चुड़ैल। तुमने मुझे चुड़ैल कहा? क्यों, जब मुझे गाली दे सकती हो तो मैं छोड़ दूंगा क्या? मैं कौन हूँ जानती हो? टिट फॉर टैट, मार या मार, मुंह लगो तो काउंटर, फील्ड पर मिलो तो एनकाउंटर। अब चलता हूँ। आई कैन यू सर, अंदर साहब और मैडम मिलके क्या बातें कर रहे हैं सर? हाँ, शादी के बारे में बात कर रहे हैं साहब और मैडम, हनीमून पर जाने के लिए प्लान बना रहे हैं समझा? हनीमून का? मोस्टली सभी लोग कुल्लू मनाली जाने का प्लान करते हैं सर। मनाली में क्यों? मनाली में मनाना कुछ गलत है क्या? क्यों, बाकी जगह नहीं हो सकती क्या? काम करने की जगह नहीं होती है क्या? काम से ही मतलब होता है समझे? हाँ हाँ आपने सही कहा। नंदा गुप्ता नाम है, कभी भी गुप्त सवाल पूछता रहता है, नालायक कहीं का। ए भाई सर, चल गाड़ी निकल अभी, मुझे बाहर पार्क में जाना है। वहाँ पर ना लड़कियाँ लड़कों को मुझसे प्यार कर मुझसे प्यार कर करके पीछे पड़े रहते हैं। अब लड़कों को तो मुझ जैसा कोई कोहिनूर हीरा ही मिलना चाहिए। चल अब चलते हैं। सर आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, आप चश्मा पहन लीजिए। मैं उन दोनों को वार्न करूंगा। सर। सर आपने हमें बुलाया? तुम लोगों से इस तरह के व्यवहार की मुझे उम्मीद नहीं थी। सर मैंने क्या किया सर? ये सब क्या है, हमेशा तुम दोनों का झगड़ा। लोग मुजरिमों का कंप्लेंट करते हैं, यहाँ पुलिस पर ही कंप्लेंट किया जा रहा है, मुझे शर्म आ रही है। अब जॉनी के केस में मुझे ज्यादा क्रेडिट मिला है इसलिए ये जल रहा है सर। बात बात पर कैंडल जलाकर ढूंढने वाली, ज्यादा भ्रम ना पले ऐसा इसे कहिए सर। व्हाट? मुझे टच मत कर। डोंट यू लेट मी। तुझे चुप हो जाओ। तुम लोग मेरे सामने ही ऐसा कर रहे हो तो बाहर क्या करते होगे? ये लास्ट वार्निंग है, अगर फिर ऐसा हुआ तो मैं तुम दोनों के खिलाफ एक्शन लूंगा। सॉरी सर। सॉरी सर। गेट आउट। आउट। Nonsense. Hey, अब हो गए ना मंगल आरती, अब तो खुश है ना तू? मैंने सुना था कि शनि आपके आसपास घूमता है, लेकिन वो यूनिफॉर्म पहनकर भी घूमता ये मुझे पता नहीं था। हाँ मुझे भी पता नहीं था कि एक भूतनी भी साड़ी पहनकर घूमती है, मगर यूनिफॉर्म पहनकर साथ में ही घूमती है ये पता नहीं था। ऐसा बोल रहे हो ना? ऐसी जगह तुम्हारा ट्रांसफर कराऊंगी जहाँ पानी तक नसीब ना हो। एक बार सल्यूट कर लोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। अरे क्या करें, सल्यूट कर। दोनों के बीच क्या सीरियस बातें हो रही हैं? नहीं कुछ नहीं सर, वो जरा केस के बारे में। कैरी ऑन। सर आए तो तुमने देखा नहीं क्या? मेरे पीछे आंखें थोड़ी ना लगी हैं। मैं कम इन सर। कम इन। सर आओ बैठो। सर किस बात की टेंशन है सर? मेरी बेटी और विक्रम के बीच झगड़ा चल रहा है जो कि अक्सर होते रहता है। हाँ तो प्रताप, आराध्य मर्डर केस में कोई प्रोग्रेस हुआ कि नहीं? नहीं सर, अभी तक 470 सस्पेक्ट की इंक्वायरी कर चुका हूं सर, मोबाइल से लेकर सीसीटीवी तक जांच कर चुका हूं, लेकिन अभी तक कोई भी सबूत हाथ नहीं लगा है सर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या कोई फैमिली डिस्प्यूट्स था क्या? उसकी भी छानबीन की है सर। नो डिस्प्यूट्स, नो एफआईआर्स, ही इज अ क्लीन मैन, एब्सोल्युटली वो बेदाग था। फिर किसने मारा उसे? आखिर किसने उसकी हत्या की? वही तो सर समझ में नहीं आ रहा है। सर आपको तो पता है ना, मैं कोई भी केस को 48 घंटों में सॉल्व करता हूँ, लेकिन पहली बार ये केस सॉल्व नहीं कर पाया सर। अब तुम इस तरह से कह रहे हो तो इस फाइल को सील रिपोर्ट डालकर क्लोज करना पड़ेगा। हाँ सर मुझे भी वही लग रहा है, इसलिए मैं अपने
अपनी टीम को कह चुका हूँ कि कोशिश करके नाकाम होना मुझे पसंद नहीं। So I quit. Hey, तुम्हारे जैसे ऑफिसर्स की जरूरत हमारे इस डिपार्टमेंट को है प्रताप। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता सर। देखो मेरी बात मानो, नेक्स्ट वीक सीएम आ रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी संभाल लेना। सर बट प्लीज यू कैन गो नाउ। ओके सर। क्या बात है कमिश्नर? हाँ बोलिए ना सर। आराध्य केस आप क्लोज कर रहे हैं ऐसा सुना है। सर वो क्या है कि दिमाग खराब हो गया क्या? इलेक्शन का टाइम आ रहा है। सर क्या करे, कोई सबूत नहीं मिल रहा है। तुम क्या करोगे पता नहीं, कैसे भी करके केस सॉल्व करो, समझे? ओके सर। शिट। क्या हुआ जी? आराध्य मर्डर केस में कोई सबूत नहीं मिल रहा है, लेकिन वो लोग उसे सॉल्व करने के लिए कह रहे हैं। बहुत कोशिश की, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं आप? पिंकी और विक्रम में भले ही झगड़ा है पर दोनों मिलकर केस सॉल्व कर लेंगे। क्या कहा, दोनों को साथ में भेज दूं? हाय बॉस। बैठो बॉस। इम्तियाज, घोड़ा सप्लायर। पाल निकाल। बेहतरीन मॉडल है साहब, मैगजीन लोड करके दूं क्या? मेरे पास गन मैगजीन भरने का टाइम नहीं है और तेरी ये फालतू कहानी सुनने का भी टाइम नहीं है। मेरे सामने काम की बात किया कर। सॉरी सर। क्यों बे, ये ओरिजिनल तो है ना? हाँ सर, पक्का ओरिजिनल है साहब। बॉस। हाँ आजा आजा, ट्राई करते हैं। देख मुन्ने, शेर के साथ खेलना इतना आसान नहीं है। शेर जंगल का राजा होता है, बिल्कुल मेरी तरह, समझ गया ना? मुझे धंधे में गद्दारी पसंद नहीं, जो भी धोखा देता है उस गद्दार का सर कलम, समझ गया? ठीक है, चला जा। यस बॉस। चलो काम की बात करते हैं। हाँ बॉस। बहुत रिस्क है सर। अच्छा, मेरी बात तेरे भेजे में नहीं घुसी है। एक बात बता, ये दुनिया दिखने में कैसी होती है? गोल होती है साहब। क्या कहा, बिना रिस्क के कुछ नहीं होता, तुझे पता है? इस रुपए के सामने पूरी दुनिया झुकती है। एक बार अगर तुम्हें पैसा कमाने की लत लग जाए ना, तो फिर इस दुनिया में तुम्हें कोई भी झुका नहीं सकता। ये वो नशा है जो सर चढ़ के बोलता है, और मेरी बात अपनी गांठ बांध लो, मैं मरने से पहले अपनी समाधि नहीं बनाता। यस बॉस। हेलो गब्रेल माय फ्रेंड, तुम इसके साथ जाओ। ओके बॉस। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस केस को क्लोज नहीं होने दूंगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पहले ये केस प्रताप मिश्रा हैंडल कर रहे थे, लेकिन अब ये केस भावना और विक्रम के हाथों में ट्रांसफर कर दिया गया है। मैं आराध्य मर्डर केस को तुम दोनों को सौंप रहा हूं, तुम दोनों मिलकर इस पर काम करो। सर इसके साथ क्या? मुझसे नहीं होगा सर, चाहो तो बंडीपुरा चौकी के पास डंडा पकड़कर बैठ जाऊंगा, लेकिन इसके साथ काम नहीं कर पाऊंगा सर, आई एम सॉरी। सर इसके साथ किसी केस पर काम करने से अच्छा है कि आप मुझे ट्रैफिक हवलदार बना दें। चुप हो जाओ तुम दोनों, इट्स माय ऑर्डर। तुम दोनों मिलकर इस फाइल को देख लो और केस को जल्द से जल्द सॉल्व करो। यस सर। ए फाइल मुझे दो, मुझे स्टडी करनी है। मैं इसे शोकेस में रखने जा रहा हूँ क्या? मुझे भी स्टडी करना है।
जो इंसान घर पर बैठकर सिर्फ बॉटल ही ओपन करता है उसके पास फाइल ओपन करने का टाइम कहाँ होगा? दो मुझे। घर में जाकर सीरियल देखने वाले को भला सीरियसनेस कहाँ से आ सकता है? छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो। ये तू दो दिन में पढ़ने वाली, मैं इसे दो सेकंड्स में पढ़ लूंगा। तेरा 2G है तो मेरा 5G है, फुल फास्ट। डायलॉग मारने में ये कभी पीछे नहीं रहता। ए, हट। मोस्टली अकेला लड़का है, देखकर शादी करने के लिए मोहनी आई होगी ऐसा लगता है। पहले ही पता होता तो 12 बजे में मंगलसूत्र बांध देता था। ये सब मेरी किस्मत है। तो डरना मत विक्रम, अपना बॉस कौन है पता है? हनुमान जी, जिन्होंने पहाड़ उठाया है और जो दुश्मनों को गाड़ देते हैं। हनुमान भक्तों को तो डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, आने दे। अरे बाप रे, भगवान है भगवान। देखिए मैडम, देखिए कल रात से इसे समझा रहा हूं लेकिन ये समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। क्या हुआ था सर आपको? बस वाह, अपने घर में कोई शादीशुदा चुड़ैल आई है ऐसा लगता है मुझे। कहाँ है सर? चलिए सर, यहाँ चुड़ैल, हम लोग निकल जाते हैं यहाँ से। यहाँ तो कोई भूत दिख नहीं रहा है। हॉरर फिल्म देखते हैं ये लोग। सर, ना यहाँ चुड़ैल है ना कोई भूत। ये देखिए सर, गले में तो भगवान की माला है लेकिन टीवी पर सिर्फ भूतों को देखते हैं और वो भी लाइट्स ऑफ करके बैठते हैं। ए, दम नहीं है तो हॉरर फिल्म देखते क्यों? तुम मेरे बारे में ऐसी बातें मत करो। मैं कौन हूँ? हनुमान जी का भक्त हूँ। गधा हाथ में पकड़ कर देखेंगे ना तो ही भूत देखकर भाग जाता है। ये बताओ, टीवी पर भूत को देखकर इतना डरना क्या है? वो लोग तो मेकअप लगाकर डराते हैं, तुम तो बिना मेकअप के ही भूत नहीं लगती हो। मुझे तुम्हें ही देखकर डर नहीं लगता। मैं तुम्हें भूत नहीं लगती हूँ? हेलो, ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को बताने के लिए कि खूबसूरती क्या होती है इस भावना को बनाया है, पता है तुम्हें? अच्छा, अरे बाप रे, आधी रात को शमशान से आकर अपनी तारीफ कर रही है, कोई तो इसे समझाओ। एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारी शक्ल को देखना भी नहीं चाहती, सर ने बुलाया इसलिए आई हूँ। थैंक्स, आपका यहाँ आने का काम पूरा हो चुका है, अब आप जाइए। ए, इनको घर पे छोड़ के आ जा, जा। मैं खुद चली जाऊंगी। गुरुजी, गुरुजी मेरे कमरे में मुझे सोने में डर लगता है, तो आप बुरा ना माने तो मैं रूम शेयर कर लूं तो अच्छा रहेगा। ए, बेवकूफ कहीं का, इस चीते को अंगरक्षक की कोई जरूरत नहीं है। चल जा, निकल निकल। सर सर, एक बार सोचे। सब लोग चले गए, ये चुड़ैल कहाँ छुपी होगी? अरे बस वाह, जाके कॉफी ले क्या? सर बहुत ही दुख रहा है। हाँ सब। क्यों? रात भर जाकर मंत्रों का जाप कर रहे थे क्या?
मेरे मुंह नहीं लगती तो इसका दिन नहीं निकलता ऐसा लगता है। ए, वो अरविंद आराध्य की केस फाइल लाने को बोल। हाँ। ए, बता दो कि वो केस फाइल टेबल पर ही पड़ी हुई है। हाँ ठीक है जाकर कॉफी लेके आओ। चलो जाओ जल्दी। कुछ लोग तो कहते थे कि मैं 4G 5G स्पीड वाला बंदा हूँ। ए, where are you going? विक्रम! आराध्य की दूसरी बेटी अंकिता है ना? अच्छा बताओ ये यहाँ कैसे आई? मोस्टली राजप्पा आकर छोड़कर गया लगता है। ब्रेड खाओगी बेटा? हेलो सर। हाय विक्रम। हाँ कहिए सर। कमिश्नर ने मुझे ड्रॉप करके अरमान आराध्या के केस को तुम्हें ट्रांसफर किया ऐसा मुझे पता चला है। उस केस पे ज्यादा ध्यान मत देना। उस केस में कोई क्लू नहीं मिला इसीलिए सील चार्जशीट फाइल करके केस को क्लोज करने का सोचा था। लेकिन सर उस केस में एक नया मोड़ आया है। अरविंद आराध्या की दूसरी बेटी मिल गई है। What? अरविंद आराध्या की दूसरी बेटी मिल गई है सर। अंकिता मिल गई क्या सर? उसने कुछ बताया क्या? क्या वो विक्रम इस बच्ची को बहुत तेज बुखार है। जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना होगा। सर इफ यू डोंट माइंड मैं आपको बाद में कॉल करूँ। बच्ची को बुखार आया तो डॉक्टर के पास लेके जाना है। ओके ओके कैरी ऑन। अंकिता कहीं चोट तो नहीं आई? चलो उठो भावना जाकर पानी लेकर आओ। हेलो संभालो। हाँ वेयर इज ही गॉन? छोड़ो चलते हैं। अंकिता कहाँ गई? अंकिता? अंकिता कहाँ चली गई?
मामा कैसी है? नथिंग टू वरी आंटी, वो आराम कर रही है। इस वक्त मैं भी शहर में नहीं हूँ, मेरे आने तक प्लीज उसका ख्याल रखना बेटा। आप चिंता मत कीजिए आंटी, मैं सब संभाल लूंगा। विक्रम, हे लूजर, क्यों बच्चों के जैसी हरकतें कर रही हो? क्या हुआ, अब मैंने क्या किया? हाँ, क्योंकि हाथ पर चोट लगी है, बुखार आया है और यहाँ आकर ठंड में खड़ी हो। अच्छा, तुम्हें मेरी फिक्र कब से होने लगी? क्यों नहीं कर सकता क्या? क्यों कर रहे हो? वो क्या है ना, मैं तुम तुम वो मैं तुमसे बोलो अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इस बात पर मैं यकीन कर लूँ क्या? मेरी आंखों में आंखें डालकर कहूँ? ठीक है, आंखों में आंखें मिलाता हूँ। मेरी आंखों में सिर्फ प्यार ही नहीं है, पिंकी भी है। आई लव यू। आउच! लगता है अंकिता रो रही है। अंकिता, लेकिन रो क्यों रही है? हे अंकिता, क्या हुआ? यहाँ आओ। क्या हुआ बच्चा, क्यों रो रही हो? अगर आप लोग जाओगे तो पुलिस अंकल गन लेकर आएंगे। गन लेकर आएंगे? कौन? बारिश हो रही थी, हम लोग घर में लुका छिपी खेल रहे थे, पापा बैठकर काम कर रहे थे, मैं और राजप्पा दोनों मिलकर एक जगह पर छुप गए थे, दीदी ढूंढ रही थी। उस दिन कोई दो अंकल घर में आए, मम्मी पापा और बहन को शूट कर दिया। वो लोग दिखने में कैसे थे? एक को देख पाई लेकिन मैं छुप गई थी ना, इसीलिए उसको नहीं देख पाई। अंकल, आप उन गंदे लोगों को सजा दिलाओगे ना? प्रॉमिस? प्रॉमिस। कोई छोटा सा एविडेंस भी नहीं मिला, सीसीटीवी डीवीआर भी मिस हुआ है, लैपटॉप तक नहीं मिला सर। सर, वो पर्सनली कोई स्ट्रिंग ऑपरेशन कर रहे थे जिसे वो टेलीकास्ट करने वाले थे। अच्छा, वो किसके बारे में था, क्या था? उसकी डिटेल्स तो मुझे पता नहीं है सर। सर, सच कहूँ तो वो कानून के खिलाफ रहने वाले ड्रग्स माफिया के खिलाफ जांच कर रहे थे, उनमें से किसी एक ने उन्हें मार दिया होगा। सर, इस एरिया में दो सिग्नल्स हैं, एक सिग्नल पर कैमरा है और एक सिग्नल पर कैमरा नहीं है। मैं यहाँ 3 महीने से काम कर रहा हूँ सर। थैंक यू सर। सर, इतने लोगों से पूछताछ कर रहे हैं और कोई क्लू भी नहीं मिल रहा है, अब भगवान को ही क्लू देना पड़ेगा सर। वो भगवान ही देंगे। हाय विक्रम, एनी प्रोग्रेस? एक क्लू मिल गया है। ओह, व्हाट क्लू विक्रम? सर, अंकिता ने कुछ बताया क्या? अंकिता से कोई भी वाइटल इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है सर। लेकिन तुम अभी क्लू की बात कर रहे थे। ये सीडी सर, मर्डर विक्टिम होने वाले टाइम पर भगवान का त्योहार चल रहा था, उसमें त्योहार में कुछ सबूत मिलेंगे सोचकर ये सीडी लेकर आया हूँ सर। इसे देखे तो शायद कुछ सबूत मिल सकते हैं। ओह गुड। या गुड गुड, इसीलिए तुम्हें दूसरा कोहिनूर हीरा कहते हैं। कीप फॉरवर्डिंग। स्टॉप। ओह शिट, इस स्टेशन में जीपीएस नहीं है क्या? कैसे मेंटेन करते हैं पता नहीं। सर, मुझे लगता है कनेक्शन लूज है। स्टॉप। शह, नई गाड़ी रजिस्टर भी नहीं हुई है।
नो वरी विक्रम, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मैं हर दिन का अपडेट पता करता रहूंगा, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। जरूर सर, नो प्रॉब्लम। आई विल सी यू गाइस लेटर। यस सर। सॉरी अंकल। इट्स ओके। बच्ची को बिस्किट लाके दे दो। सर, हम लोगों के लिए भी बिस्किट? दूंगा ना, तुम्हारे साहब और मैडम को। हाँ सर, सिर्फ बच्ची के लिए लेकर आओ। हाँ, अब हम क्या करेंगे? और कितना दिन लगेगा उसे ढूंढने में? थोड़ा टाइम दे दीजिए। और कितना टाइम चाहिए? वो कोई जंगल में छुपा हुआ वीरप्पन है क्या? वो राजप्पा है। तुम क्या करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन उस विक्रम के हाथ लगने से पहले उस राजप्पा का चैप्टर क्लोज करना है। गेट आउट। सर, सभी कस्टमर से बात करके डिटेल्स कलेक्ट किया है सर। इसमें कर प्रताप सर की है सर, इसलिए उस दिन किसी भी कस्टमर नेटवर्क आराध्य के आसपास डिटेक्ट नहीं हुआ था सर। सर, वो टावर के डिटेल्स इसमें है सर, पवन ने दिया है। इनमें से कोई नहीं है तो उस कार में कौन था? कोई खतरनाक आदमी मैनिपुलेट कर रहा है। सर, कमिंग कमिंग, राजप्पा फोन, वो कहाँ है? तू अपनी टीम लेकर वहां पहुंचा, मैं आता हूं। मरते वक्त गलती किया तो बचने का कोई चांस नहीं होता। गैब्रियल, गो। राजप्पा, राजप्पा, किसने मारा? राजप्पा, he has been stabbed। कौन था? कहाँ था वो? इधर गया था क्या? विक्रम, get him। उधर जाके ढूंढो। और तू तो गया, अब कैसे बोलेगा? Sorry विक्रम। कहीं नहीं मिला सर। We lost him। भाग गया वो। विक्रम, what's your next move? बच्चा, यही है क्या वो? ए, ऐसे क्या देख रहे हो? देखो, नहीं हाँ, शादी से पहले ये सब गलत होता है। शादी से पहले अगर लड़की का फायदा उठाए ना, तो कुंफू करके जिंदगी भर के लिए तुम्हें घर पर बिठा दूंगी। मेरे बॉयफ्रेंड हो तो क्या हुआ? नो, विकी नो। बहुत बड़ी सुंदरी हो गया। इसे देखकर अपना कंट्रोल खोकर कुछ नहीं कर सकती हो तो बोल रही हो कि कुंफू करने आता है मुझे। वेट 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 वेट, तू ए बसुआ, एक सस्पेक्ट का मैंने स्केच निकाला था ना, उसने गरुड़ा चैनल पर किसी फिल्म में एक्ट किया है, तो उसका प्रोडक्शन मैनेजर कौन है इसका पता लगाते हैं और वहां जाकर पूछताछ करते हैं। अरे सुनो, बॉस के सामने मेरी इज्जत मत उतार देना। ठीक है। अरे बसुआ, हाँ सर, वो मैनेजर कहाँ है जरा पूछ। हाँ, हेलो, कहाँ पर हो? प्रोड्यूसर ने अर्जेंट बैंक के काम से भेजा है, आप आधा घंटा रुकिए, मैं आता हूं। क्या यार, तुम लोग भी पुलिस के साथ कैसा कर रहे हो? तुरंत आ रहा हूं सर। ठीक है ठीक है, जल्दी आ जाओ। सर, वो बैंक में है कह रहा है। सर, आप बहुत खुश दिखाई दे रहे। मुझे थिएटर में हिंदी सिनेमा रोड पर शूटिंग देखकर पता नहीं मेरा दिल बहुत ही खुश हो जाता है यार। मुझे भी ऐसे होता सर। सर, आपको हिंदी में कौन सा हीरो पसंद है सर? तुझे तेरे नाम में कौन सा अक्षर पसंद है? मुझे तो सारे अक्षर पसंद है सर, क्योंकि नाम में सारे अक्षर इम्पोर्टेंट होते हैं ना सर।
जैसे नाम के लिए हर एक अक्षर इम्पोर्टेंट होता है, बिल्कुल उसी तरह हर एक एक्टर चित्रकला के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए वो मुझे पुराने सालों से लेकर इस शुक्रवार को रिलीज होने वाला नई फिल्म का नया हीरो तक मुझे बहुत पसंद है। मेरे हार्ट में दुश्मन के लिए कोई जगह ही नहीं है यार, सबके लिए दिल में जगह है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर यहाँ पर आप लोगों को छोड़कर बाहर वालों को चांस दिया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, यह गलत है सर। यहाँ हम सबको एक होना चाहिए और सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए। Well said. क्या कहा है सर, आपकी बातें यहाँ नहीं यहाँ लगी हैं सर। अच्छा तो डायरेक्टर कौन है? मैं ही डायरेक्टर हूँ सर, श्री नरसिम्हा। बेस्ट ऑफ लक, तुम लोगों की फिल्म जरूर हिट होगी। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आप लोग आने वाले हो ऐसा मैनेजर ने कहा था, आप लोग बैठिए ना सर, वो आ जाएंगे। ए शंकर साहब के लिए चाय लेकर आओ। लाया साहब, शॉर्ट रेडी। ओके सर, शॉर्ट रेडी है, कैरी ऑन। हाँ, बाद में मिलता हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सर चलो मैं यहीं पे ठहरता हूँ, शॉर्ट रेडी आप उधर देख लो सर। ठीक है, हाँ, ठीक है सर। इतनी दूर से आए तो पूरे सेट का एक चक्कर मार लेते हैं ना, कौन हीरो है कौन हीरोइन आई है देख लेते हैं। गुड आइडिया, चल चलिए आइए सर। ओ देखा, एक फिल्म बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है। हाँ सर, राइटर को बोला है, सेट भी बहुत अच्छा लगाया सर। कौन हो सकता है हीरो सर? आपको नहीं मिला? नमस्ते सर। अरे सुन, वो स्क्रिप्ट लेकर आ जल्दी। नमस्ते माँ जी। हम मल्ला बली से आए हैं, ये मेरा बेटा शिबू है। मैंने इसे मेहनत मजदूरी करके पाला है, लेकिन अभी आत्महत्या करने की कोशिश करता है। मैं कब से पूछ रही हूँ, कुछ नहीं बता रहा। साहब आपने तो बहुत लोगों की जिंदगी बचाई है, आप बहुत महान है साहब। इसको अच्छी बातें बताकर आप इसकी जिंदगी बचा सकते हैं, बचा लीजिए ना साहब। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। ठीक है मैं देखता हूँ। सच सच बताओ क्या हुआ, बात क्या है? भाई मैंने एक लड़की से प्यार किया था भाई, वो मेरी पड़ोसन थी, मुझे बेवकूफ बना के चली गई, मेरा दिल टूट गया भाई, अब मैं जिंदा क्यों रहा हूं? तो तुम मरने का डिसाइड कर चुके हो, लेकिन मरने से पहले मेरा एक काम करोगे तुम? बिल्कुल करूंगा भाई। ए मंजू, ये ले भाई, ये ले पकड़ भाई, मेरा हाथ काटोगे क्या? क्यों भाई? इस हाथ को बहुत जल्दबाजी है इसलिए। क्या जल्दबाजी भाई? बाल झाड़ने गया था तो चार बाल निकल गए, इसी की वजह से निकल गए इसलिए। भाई क्या भाई, बाल झड़ गए तो फिर से आ जाएंगे, हाथ काटोगे तो फिर आएगा क्या? ए, मैं तुझे वही समझा रहा हूँ, एक लड़की गई तो दूसरी आ जाएगी, एक चुनौती गई तो दूसरी आ सकती है, एक बार जान गई तो दोबारा नहीं आ सकती। आपकी बात ठीक है भाई, लेकिन बिना प्यार के मैं कैसे जिंदा रहूं? घर पहुंचने में 10 मिनट देरी होती है तो 10 भगवानों के आगे हाथ जोड़कर विनती करती है, इसे तुझे प्यार नहीं? दिन रात मेहनत करने वाले तेरे पिता, उनसे तुझे प्यार नहीं है? तू 4 दिन दिखाई नहीं देता तो तेरे दोस्त तेरे घर के चक्कर लगाते हैं, उनके प्यार के सामने जो तुझे छोड़कर गई है उसका प्यार मायने रखता है? ए सुन, जिंदगी में अच्छे से पढ़ाई करके कुछ हासिल कर, तेरी आंखों के सामने अपने लिए किंगडम बना ले, तभी तुझे छोड़कर भागने वाले लोग तेरा ऑटोग्राफ पाने के लिए लाइन में खड़े हो जाएंगे। इस दुनिया का यही दस्तूर है, तू सिर्फ 2 लोगों पर भरोसा कर, एक तुझे जन्म देने वाले तेरे माता पिता और दूसरा ऊपर वाला भगवान। समझ गया? समझ गया भाई। ये मैं सिर्फ तुमसे नहीं कह रहा हूँ, आत्महत्या करने वाले उन सभी लोगों से कह रहा हूँ। जिंदगी में छोटी मोटी मुसीबत से लड़कर आगे बढ़ेगा तो जिंदगी में राजा बनकर रहेगा। ठीक है भाई, आज से मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं अब मरने के बारे में कभी नहीं सोचूंगा, कभी नहीं भाई। पहले अपने माता पिता को खुश रख, समझ गए ना, उन्हें हमेशा खुश रखना। ठीक है भाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपका एहसान नहीं। हाँ ठीक है, चलता हूँ भाई। आज के बाद से मैं आपको कभी दुख नहीं दूंगा। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते सर। सर ये सीन करना है। ठीक है ठीक है, आता हूँ सर।
ए, कौन है वहाँ? बाहर निकालो। ए, अरे ट्रॉली और आगे लो। ओ, हेलो विक्रम। हेलो सर। बैठिए। थैंक यू। आपसे मिलकर काफी दिन हो गए हैं सर, आज मिला तो खुशी हो गई। मुझे भी। आप यहाँ कैसे? सर, अरविंद और आराध्या के केस को मैं ही हैंडल कर रहा हूँ। ओह, मैंने भी पेपर में पढ़ा है, वो बड़ा क्रिटिकल केस है ना? जी हाँ सर, बट अभी हमें एक क्लू मिला है सर। वो सस्पेक्ट अब फिल्म में एक छोटा मोटा रोल कर रहा है, मैंने सुना है। इसलिए मैनेजर से बोलकर उसे ट्रेस आउट करके बहुत ही इजी होगा, इसलिए उसे ढूंढने आया हूं। ओके ओके, जब तुम हैंडल कर रहे हो तो उस केस को पूरा करके ही दिखाओगे। थैंक यू सर। सर, उसे ढूंढने में उतनी मुश्किल नहीं होगी। भगवान के मंदिर में रथ जाने का रास्ता देते हैं लोग, ये पता नहीं, लेकिन हम जाते हैं तो हमें रास्ता देते हैं। हमारे आसपास दो तरह के लोग होते हैं, एक हमारी हाँ में हाँ मिलाने वाले और दूसरे हर बात पर इनकार करने वाले। दोनों ही डेंजरस होते हैं। हाँ में हाँ मिलाने वाले अपनी गलती कभी नहीं मानते और इनकार करने वाले कितना भी अच्छा काम कर लो वो नहीं मानते। अगर हम अपने दिमाग से चलें तो जो चाहे हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने, अगर हमें मंजिल तक पहुँचना है तो अपने ही रास्ते से चलना होगा। सर, शॉट रेडी है। हाँ, आता हूँ। ओके विक्रम, फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू सर। एज अ पब्लिक, मेरी तरफ से तुम्हें हमेशा सपोर्ट मिलेगा। यस सर। बाय विक्रम। श्योर। ए, मैनेजर की कोई खबर नहीं मिली है, उसको फोन कर। सर, वो आ गया सर। सर, सॉरी सर, अर्जेंट काम था इसलिए बाहर गया था, लेट हो गया सर। कोई बात नहीं। हाँ, उसके बारे में कोई खबर मिली क्या? हाँ सर, सर वो 5 साल पुरानी फिल्म है, अब वो मेरे टच में नहीं है सर। वो कहाँ है कोई नहीं जानता, बट सर उसके साथ रहने वाला एक है सर। ए रिचर्ड, इधर आ। हेलो। हेलो बसवा सर, तुमने जो स्केच बनाया था वो दिखाना। Do you know this guy? Oh, Gabriel. It was my room at once. Where is he stay now? I don't know, but yesterday he invited me to the weekend party in the pub. You know the name of that pub? Black Snow. Black Snow. Hi, Bhavna. अकेली क्यों आई हो? विक्रम कहाँ है? उस murder case में एक suspect की details मिली हैं। वो उसे कस्टडी में लेने गया है सर। इस बार टारगेट मिस नहीं होगा। Sorry, Gabriel. You have to die. सीसीटीवी कैमरे का कनेक्शन अभी कट हो गया है सर। हेलो मिस्टर, अभी जो रिकॉर्ड हुआ उसका सीसीटीवी फुटेज मुझे दिखाना। सर, सीसीटीवी कैमरे का कनेक्शन तो अभी कट हो गया है, वही फोन पे मैं बोल रहा था। सर, उसके जेब से एक मॉल के पार्किंग टिकट मिला है। हाँ सर। हाँ पवन, मैं गैब्रियल का नंबर भेजता हूँ, कल 12 बजे उसने किसी को फोन करके मीटिंग की है। उस मीटिंग करने वाले आदमी ने किसी और को कॉल किया है, उन दोनों नंबर्स को ट्रेस आउट करके मुझे उसके डिटेल्स दे दो। ओके सर, देता हूँ। भावना, इस ड्रग्स पेडलर्स का केस फाइल कहाँ है? फाइल रूम में है सर। इट्स ओके, मैं देखता हूँ, कैरी ऑन।
अंकिता पर अटैक हुआ, राजापा और गैब्रियल को भी मार डाला। मैं इतना सावधानी से कर रहा हूँ तो भी कोई मेरा पीछा कर रहा है, कौन हो सकता है? ये तो सोचने वाली बात है। हाँ पवन, गैब्रियल को जिस नंबर से फोन किया गया था वो इमरान पाशा का है। वो एक बहुत बड़ा ड्रग्स पेडलर से सर, उसने 9432322555 पर फोन किया। इस नंबर का तार ग्रेवियल और इमरान पाशा से जुड़ा है सर। ये किसका नंबर है? सर एक मरियप्पा नाम का आदमी है, बट उसे मरे हुए 3 साल हो गए हैं सर। किसी ने फेक डॉक्यूमेंट्स देकर इस सिम को खरीदा होगा। ये नंबर हमेशा स्विच ऑफ रहता है सर, और कभी कभी ऑन भी होता है सर। आराध्या मर्डर केस के लोकेशन पर ये नंबर एक्टिव हुआ था। अच्छा, तुम एक काम करो, इमरान का नंबर और वो 555 नंबर कनेक्ट करो, और जैसे ही कॉल होता है मुझे बता देना। हाँ जरूर सर, थैंक यू। कौन हो सकता है? हेलो। हाँ बोलो पवन। सर इमरान पाशा का नंबर स्विच ऑन हुआ है। लोकेशन कहाँ का दिखा रहा है? ओल्ड एयरपोर्ट रोड सर। ओल्ड एयरपोर्ट रोड है, अच्छा ठीक है, तुम मुझे वो लोकेशन भेजो, मैं वहीं पर जा रहा हूँ। सर वो 555 नंबर उससे बात कर रहा है। अच्छा, उस नंबर का लोकेशन कहाँ पर दिखा रहा है? सर वो आपके ही एरिया में जूरी सेक्शन के आसपास। व्हाट? मैं जाऊँ वहाँ पर कहाँ पर? सर 12 मिनट की दूरी पर। पवन मुझे एग्जैक्ट लोकेशन सेंड करो। आपके ही पुलिस स्टेशन में दिखा रहा है। व्हाट? हाँ सर। हमारे पुलिस स्टेशन में? हाँ सर। इमरान, मैंने 10 किंगपिन ड्रग्स पेडलर्स का डिटेल्स कलेक्ट किया है। इमीडिएट उनका फेक पासपोर्ट बनाकर उन्हें बाहर भेज दो। ओके बॉस। वो जितना डिमांड करेंगे उतना पैसा दे देना, नेगोशिएट मत करना। ठीक है बॉस। वो ड्रग्स कोई और नहीं डील कर रहा, वो हमने ही किया है। वी विल बी द फर्स्ट वंस। हॉट केक के जैसा सेल होगा। वी कैन मिंट द मनी। एक बात और, अभी मैं पुलिस स्टेशन में हूँ, जरूरत ना हो तो इस नंबर पे कॉल मत करना, डायरेक्ट टू सर्डे पे आ जाना। ओके बॉस। बाय। पवन सर, कॉल कट हो गया क्या? जस्ट अभी कट हुआ है सर। आराध्या मर्डर केस वाले नंबर का हमें लोकेशन मिल गया है सर। अंकिता मिल गई क्या? इसमें से एक कार प्रताप सर की है सर। हेलो ए इमरान। क्या मालिक, बहुत दिनों बाद याद किया। ए, जेल में रहकर भी हफ्ते में 15 करोड़ कमाने के लिए जेल में सेटिंग शुरू कर दिया है, माल भेजोगे क्या? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, जितना चाहिए उतना भेज दूंगा। ए, वो लोग स्टफ है, वेजिटेबल का पफ नहीं। गोदाम में फुल स्टॉक है, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक है, काम कर, उसके साथ एक लड़का आएगा, उसे साथ ले जाकर उस स्टफ को क्वालिटी को चेक कर। ठीक है, भेज दो। क्या भाई, एक फोन कॉल में बात करके इस रेंज में डेवलप हो गए हो क्या? अरे इसमें क्या डेवलप है सर, सर मैं हमेशा ऐसा ही रहता हूँ सर। वो क्यों सर? क्या हुआ? फर्स्ट टाइम पुलिस सेल में एंट्री हुई थी सर, तो पुलिस वालों ने बैठने के लिए कहा था, मैंने सोचा आप भी वैसे ही कहोगे, इसलिए बैठ गया था सर। जॉनी जॉनी। यस पुलिस पापा। सेलिंग ब्राउन। नो पुलिस पापा। टेलिंग लाइज। नो पुलिस पापा। ओपन योर पैंट। देख लो पुलिस पापा, देख लो। झुक जाओ एक बार। ओके पुलिस पापा। अरे कुछ तो पीछे घुस गया। आपने क्या सोचा था ये लोग यहाँ पे पप्पी देंगे? इसे अपना घर समझ रखा है क्या सर? दिखाने के लिए बोला तो आप खुश हो गए, घुसा दिया ना। तो
तब से ऐसा ही हूँ सर, ना बैठ सकता हूँ ना खड़ा हो सकता हूँ, और मैं सो भी नहीं पाता। क्या सजा है सर ये? बैठ जा बोलकर जैसे ही बैठने लगा घुसा 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 कर मार दिया सर। सर एक मदद कर दीजिए सर, मुझे छोड़ दीजिए सर, प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज। ऐसे ही मदद करते रहना, कभी ना कभी बाहर निकालूंगा। टाइम टू टाइम खाना खा पी कर सोकर यहीं पर आराम करना, सावधान। प्लीज सर मत भूलिएगा सर, सर सर या, या, सर, सर मेरा वॉकिंग स्टाइल देखकर तो मुझ पर रहम करो सर, सर प्लीज सर, सर सर। हेलो सर। हेलो। उस रेड डीलर ने फोन किया था सर, उसने बहुत बड़े बिजनेस का ऑफर दिया है सर, वो भी वीकली 15 करोड़ का बिजनेस है। जॉनी क्या? हाँ सर। वो तो जेल में है ना, इतने दिनों तक तो वो साइलेंट था, फिर अचानक कैसे? सर उसने अपने काम के लिए किसी को रखा है। जॉनी तो अपना है, बट पार्टी की गारंटी है ना? बिल्कुल सर, वो पार्टी को जगह और स्टॉक दोनों दिखाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, गोदाम दिखा देना बट सावधानी से। ओके बॉस, डन। हे भावना। सर। इतनी जल्दी में कहा? वो नाइट पब्स का टाइम एक्सटेंशन हो गया है, उसी बारे में पापा से बात करने जा रही थी, और फिर आज अरविंद और आराध्य का बर्थडे भी है, तो सोच रही थी कि अंकिता को सिमेट्री लेकर चली जाऊं। वो कहाँ है हमारा डायनेमिक? उसके बारे में तो पता नहीं, सुबह से नहीं देखा उसे। तुमने भी नहीं देखा क्या? नहीं सर। ओके ओके। 9180-6221। ये ना विक्रम साहब के स्टेशन का नंबर है। अच्छा, जानते हो ना वो अपना केस सॉल्व करने वाले हैं। हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ। तुमको पता नहीं है क्या हुआ विक्रम? ऐसे स्टैचू की तरह क्यों खड़े हो? सर मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। केस डील करने के पीछे पड़ो तो ऐसा ही होता है, पूरा दिमाग लगाना पड़ता है। एक ना एक दिन ऊंट पहाड़ के नीचे आता ही है सर, और ये बात तो एकदम पक्की भी है ना सर, भले ही आने में थोड़ा लेट क्यों ना हो। अगर तुम्हें सांप दूर दिखे तो उसके पास न जाकर अपनी हद में रहना चाहिए विक्रम। सांप को देखने के बाद हद में रहना पड़ता है, तो उस हद तक पहुंचने के लिए एक बाउंड्री भी तो होती है ना सर। मैं तो यही चाहता हूं कि सारे केस उनको ही मिले, वही ठीक रहेगा। ये लो, इस बैग में पैसों के साथ साथ मोबाइल ट्रैकर भी है, सावधान ठीक है, उनको कोई शक नहीं होना चाहिए। चलो जाओ, मैं यहीं पर रहता हूँ। ओके सर। जाओ। आज ही है ना जॉनी डीलर की मीटिंग, मैं निकलता हूं। विक्रम के सॉल्व किए हुए केस का सबूत जॉनी है, भां करके ये 15 करोड़ की डील, विक्रम का ये नाटक कहां गया? वो इस चाल से वो जरूर मर जाएगा, बट मरने से पहले थोड़ा ट्विस्ट होना चाहिए। पहले किसकी बारी, पहले किसकी बारी, पहले कौन 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 कौन? अंकिता को उसके मॉम डैड की सिमेट्री पे ले जाना है। भावना, अंकिता, उसके बाद इसकी बारी। अब मैं वो फोटो डिटेल्स भेजूंगा, उन दोनों को किडनैप करके दो अलग अलग जगहों पे रख के लॉक कर दो। मैं बाद में बताता हूँ क्या करना है। अब देखता हूं कि इस खेल का राजा क्या करता है। हाँ बोलिए ना सर। हाय विक्रम, कहाँ हो भाई? मन शांति के लिए मंदिर में आया हूँ सर। वेरी गुड, मंदिर में जाके भगवान का दर्शन जरूर करना चाहिए। जरा अपने सामने की तरफ देखो, दिखा सीधा प्रत्यक्ष दर्शन है। वाह, तुम्हारे जैसा दिमाग वाला और ब्रेव पुलिस ऑफिसर सिर्फ फिल्मों में ही होता है ऐसा मैंने सुना था, लेकिन अपने डिपार्टमेंट में भी है, यह देख के बहुत खुशी हो रही है विक्रम। क्या कहते हो तुम? क्या सर, आप सब लोग खिलौनों से खेलते हो और चेहरे पर मुखौटा लगा कर मेरे साथ भी खेल रहे हो। ये सब कुछ पैसों के लिए है विक्रम। देखो पूरी दुनिया हाथ उठाकर सिर्फ दो लोगों को ही सलाम करती है, एक मंदिर में रहने वाले भगवान को, दूसरा उन अमीरों को जिसके पास पैसे होते हैं। मैं मुखौटा पहनकर जिंदगी जीने से पहले खाकी पहनकर अपनी जिंदगी बिताता था। तब मेरी लाइफ कैसी थी पता है क्या?
तुझे कितना समझाऊं मैं, तेरे पापा से बात करके तुझे नई गाड़ी दिलवा देती हूँ, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। आराम से। माँ, इसे कुछ नहीं हुआ, थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा। आइए सर, घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। जरूरत नहीं अजा। कोई बात नहीं साहब, आइए बैठिए। तुझे बोला ना, चल निकल। वो मेरे पुलिस स्टेशन के साहब हैं, उनकी पुरानी गाड़ी है इसलिए अभी तक उनकी शादी नहीं हुई। मेरी माँ को हार्ट अटैक हुआ तो उस वक्त मेरी मदद के लिए कोई भी आसपास नहीं था। एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए उस वक्त मेरी जेब में 1 रुपए का सिक्का भी नहीं था। क्या करता मैं? हाँ, डॉक्टर। अरे क्या भाई, तुमने बहुत देरी कर दी, हार्ट का ऑपरेशन करना है, 7 लाख का खर्चा आएगा, तुरंत भर दो। सर, इतनी जल्दी मैं पैसों का इंतजाम? पेशेंट का कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है, जल्दी करो नहीं तो हम बचा नहीं पाएंगे। ठीक है डॉक्टर, मैं कुछ भी करके इंतजाम करता हूं। ठीक है, जल्दी करो। क्या सर, आप इतना लेट आए हैं? वो पैसों का इंतजाम करने में। अमाउंट की क्या जरूरत है सर, आपकी माँ तो मर चुकी है, बॉडी मॉर्चरी में है, जाके देख लीजिए। सर सर, अंदर मत जाइए सर, पहले पैसा भरना होगा, बॉडी नहीं मिलेगी, अंदर मत जाइए सर। सर सर सर, अरे जाने दो भाई, पुलिस वाला है। एक बार सर। माँ, उस 1 रुपए के कॉइन की वैल्यू मुझे तब पता चली। साहब आप यहीं रुकिए। ओके सर। सर, ये अपने थाने के एरिया में लाइव बैंड ओपन करने जा रहे हैं और वो चावल उगाने वाली जगह है, गांजा की खेती होगी तो अच्छा होगा ना सर? सिर्फ इतना ही सर? ए ला रे, जल्दी ला, जल्दी ला। हाँ सर। आपने हाँ कह दिया सर, अब देखिए मैं कितना पैसा लाता हूँ। उसे दिन मैंने फैसला कर लिया, करोड़ों करोड़ों रुपए कमाना। क्यों पता है? इंसान की वैल्यू नहीं होती, पैसों की वैल्यू होती है। हर घर में टिश्यू पेपर बाथरूम में होता है, लेकिन कागजात को लॉकर में छुपाते हैं। वो कागजात उनकी संपत्ति होती है। एक पेपर की अगर वैल्यू होती तो वो टॉयलेट में नहीं होता। उसी तरह इंसान को टिश्यू पेपर की तरह यूज करके फेंक देते हैं विक्रम, यही इस दुनिया की कड़वी सच्चाई है। इसीलिए हाथ से गिरे हुए सिक्के की कीमत मैं जानता हूँ। अब तुम ही बताओ, मैंने कुछ गलत किया है क्या? गलत है सर, आई एम रियली सॉरी फॉर योर लॉस। जेल में रहने वाला हर कैदी अपनी अपनी सेंटिमेंटल स्टोरी बताता ही है, उसे सुनकर आंसू पहुंचकर उसे बचा तो नहीं सकते है ना? जब गलत काम किया है तो उसे सजा तो मिलनी चाहिए सर, और कानून भी यही कहता है। स्टॉप इट विक्रम, मेरा ब्रेन वॉश करने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारे फोन पे एक वीडियो भेजता हूँ, पहले उसे देख लो। Damn it. दोनों अलग अलग लोकेशन में हैं। तुम एविडेंस को डायरेक्ट मेरे पास लेकर आओगे तो दोनों सेफ हो जाएंगे। अगर एक को सेव करने गए तो दूसरा अपने आप मर जाएगा। Your time starts now, विक्रम। कहाँ हो विक्रम, अभी तक एविडेंस लेकर नहीं पहुंचे? लेकर भी नहीं आऊंगा। अच्छा, फिर भावना और अंकिता? ऑलरेडी मर्द बनकर निकला हूँ। तब तो तुम्हारी लवर की जिंदगी खत्म, बेचारी, उसको अब कौन बचाएगा? दुर्योधन के पीछे 100 लोग कौरव हैं तो इस अर्जुन के साथ कृष्ण नहीं हो सकता है क्या?
अभी भी वक्त है विक्रम, एविडेंस मेरे हवाले कर दो वरना कोई नहीं बचेगा, तुम भी नहीं, समझ गए? पवित्र खाकी पहनकर ऐसा घटिया काम करने का आपका मन भी कैसे किया सर? ऐसे गलत काम करके आपने करोड़ों रुपए तो कमाए होंगे, लेकिन आपकी मां वापस आ गई क्या? आप पर कई लोगों की मांएं भरोसा रखती हैं, आपको पता है ना सर? तकलीफ ने सब कुछ सिखा दिया, ऐसा कहने वाले आप घटिया साम्राज्य बनाने से अच्छा बूढ़ों के लिए कोई आश्रमशाला या फिर कोई हॉस्पिटल क्यों नहीं बना देते हैं? सेंटिमेंटल कहानी सुनाकर गलत काम करने वाले तुम जैसे लोगों के लिए ना कोई बेल मिलेगी और ना ही माफी है। अंकिता, तुमसे प्रॉमिस किया था ना मैंने कि तुम्हारे माता पिता के खूनी को सजा दिलाऊंगा। अंकल, हा? आपने इन लोगों से लड़कर मुझे तो छुड़ा लिया, लेकिन आंटी? आंटी सही टाइम पर नहीं पहुंचा, इसलिए आंटी को उन लोगों ने मार दिया होगा। उधर तो देखो कौन आया है। अंकिता। आंटी। तुम कुछ भी कहो लेकिन तुम बहुत ग्रेट हो भावना, मरने के बाद भी तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आई हो, हैट्स ऑफ। ए पागल, मैं मरी नहीं हूँ। बेचारी, अब मैं क्या कहूँगा, तुम्हें मारा गया है। क्या करूँ, तुमसे शादी करके तुम्हारे गले में माला डालने के बारे में सोचा था, अब तुम्हारे फोटो पर माला चढ़ाने की नौबत आ गई है। रहने दो, अब क्या कर सकते हैं, मैं कोई अच्छी सी लड़की देखकर उसके साथ शादी कर लूंगा और मेरी होने वाली खूबसूरत पत्नी उसका नाम मैं भावी रखूंगा। भावी रखोगे? भावना, विक्रम, मैं बहुत ही टैलेंटेड हूं ना विक्रम। क्लाइमेक्स में तो विलेन भी सुधर जाता है, लेकिन तुम कभी नहीं सुधरोगे। गर्लफ्रेंड मुसीबत में है तो गाड़ी से या घोड़े से आना छोड़कर उसे मर जाने के लिए छोड़ दिया था। कोई बात नहीं, मुझे बचाने के लिए एक बहुत बड़ा स्टार आया है, क्योंकि तुम्हें तो मेरी कोई परवाह नहीं है। I want to kill you. अरे मेरी प्यारी पगली, अगर मुझे तुम्हारी परवाह नहीं होती तो मैं वहाँ पर क्यों आता बताओ? जगह पर से बचाने के लिए मैं भगवान हूँ क्या? इसलिए इसे यूज करके मैंने उसे फोन किया। तुमने किया? थैंक यू सर, अगर आज आप नहीं होते तो वो लोग इसे मार देते। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ विक्रम। थैंक यू सर, गुड लक। बाय। ए सबको नमस्कार, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अरमान आराध्य केस सॉल्व हो गया है।
और मुझे बहुत फक्र है कि हमारे डिपार्टमेंट का दूसरा कोहिनूर हीरा विक्रम ने इस केस को सॉल्व किया है। ओके विक्रम सर प्लीज। इस केस का प्राइम अक्यूज्ड है प्रताप मिश्रा, हमारे डिपार्टमेंट में बहुत ही अच्छे पोस्ट पर थे। आई रियली रिग्रेट टू से दिस, ड्रग माफिया बहुत ही गलत काम होता है। यह सच है कि इसे रोकना बहुत ही जरूरी है। ऐसे हालत को सही वक्त पर सुलझाने के लिए पब्लिक का साथ होना बहुत ही जरूरी है। मैं हमेशा कहता रहता हूं, आप और हम एक होने चाहिए। हम सब मिलकर चलेंगे तो खूब जमेगा रंग। मुझे डायरेक्टली सपोर्ट करने वाले और इनडायरेक्ट सपोर्ट करने वाले मीडिया वालों को और इस राज्य की जनता का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है विक्रम? देखते हैं तुम्हारे पापा इस बार कौन सा केस सोचेंगे। इस बार मैं खतरनाक केस दूंगा, अपनी बेटी को तुम्हें सौंप रहा हूं। क्या अंकल, आप भी, आप कोई टफ केस देखेंगे ऐसा मैंने सोचा था, लेकिन ये मेंटल केस मेरे जिम्मे सौंप दिया आपने। हेलो। थैंक यू। मेरे लिए भी थोड़ा बचाओ। मैंने मुंह लगा लिया। कोई बात नहीं। अरे ये तुम क्या कर रही हो? पति परमेश्वर होता है। शैतान। सर ये क्यों इतना लेट हो गया? हेलो, जब कोई हायर ऑफिसर आता है तो खड़े होकर सल्यूट मारना चाहिए। मारो सल्यूट। कल पति परमेश्वर के अगर पैर छुआ था ना, अब सबके सामने सैल्यूट करवा रही हो। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, दिवाली का त्योहार मनाऊंगा तुम्हारे साथ। हाँ सर, पटाखा भी फोड़ना सर।